हेलो दोस्तों, वेलकम इन डिलाइट एजुकेशन पॉइंट। और आपका मैं फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आपकी अपनी सुमन तिवारी, जो कि आपकी बायो प्लस और भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, तो आपकी अपनी टीचर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कल का जो टॉपिक था वो आज पूरा करेंगे, चाहे कितने भी टाइम लगे। तो आप घबरा के नहीं, आराम से क्लास करेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे, ताकि चीज़ों का नॉलेज आपको हो और आपका ज्ञान बढ़ेगा। और मैंने कहा भी है, जहाँ से ज्ञान मिले आप ग्रहण कीजिए, लीजिए उसको। तो वेट कर लेते हैं कुछ लोगों का, देखते हैं कुछ लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ, तब मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। ओके, जेम्स रॉबिन्स जी, हेलो मैम, हेलो जी। विकास यादव, गुड इवनिंग मैम। विकास यादव जी, बिल्कुल गुड इवनिंग। और हाँ, जितने लोग ऐड होते जा रहे हैं वो लाइक जरूर करें, लाइक और शेयर बहुत ही जरूरी है। गौरव जी, एकदम टाइम से, वेरी गुड गौरव जी। एमडी डिसूजा, हर्ष कुमार, गुड इवनिंग। सूर्यकांत ओझा जी, गुड इवनिंग। एंड सांगिनी यादव, गुड इवनिंग। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग है। और रामलाल जी, आपको भी गुड इवनिंग है। तो और लोगों को भी देख लेते हैं। डॉक्टर अंशु श्रीवास्तव, हेलो जी, आपको भी हेलो है। तो कल के सेशन से कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी आप लोग पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। प्रवीण श्रीवास्तव जी, हेलो जी। फिर है कोई गेमिंग करके हैं मैम, हेलो आई एम अभय। ओके अभय, बहुत अच्छी बात है कि आपने ज्वाइन किया सेशन को। तो ये जो चल रहा था टॉपिक, मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ कि ये कोई आपके बायो वाले ही पर्टिकुलर नहीं पढ़ेंगे, ये सभी एग्जाम से रिलेटेड है। और आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो ये जनरल है, सबसे पूछता है। ऐसा कोई नहीं होता जो इससे बचा हो, चाहे आप SSC दीजिए, NTPC दीजिए, IB का एग्जाम दीजिए, या किसी भी चीज़ का, पुलिस से लेकर सभी जगह साइंस, जनरल साइंस आपका पीछे कहीं नहीं छूटता इससे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें बायो वाले ही रहते हैं और इन्हीं से रहते हैं। तो बिल्कुल आप अपने क्वेश्चन जो होंगे वो भी पूछते रहेगा बीच बीच में। बादल पांडे जी, गुड इवनिंग मैम। ओके, गुड इवनिंग जी। सुनता दुबे जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच सुनता जी, और गुड इवनिंग आप सभी को। साथ में मीनू सिंह, हेलो जी मीनू। और सब मुझे भी उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। दिव्यांश दिव्यकीर्ति, हेलो मैम। आप लोग शेयर नहीं कर रहे, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए ताकि मैं सेशन को स्टार्ट करूँ। जितने ज़्यादा लोग होंगे सेशन में, उतना ही मज़ा आता है पढ़ाने में। टीचर का एक मोटिवेशन बढ़ता है, और टीचर मोटिवेट होगा तभी तो आप लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएगा, अपना ज्ञान और निकाल पाएगा। विवेक मिश्रा जी, गुड इवनिंग। बिल्कुल गुड इवनिंग विवेक जी। हाँ, तो देखते हैं, बस 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं न्यू सेशन को। तब तक मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है कल से रिलेटेड तो आप पूछिए, और ऐसे भी कोई बायो से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप टॉपिक से ही पूछेंगे। दिव्यांश दिव्यकृति, ओके मैम। ओके, फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, काफ़ी लोग ऐड हो गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एमली डिसूजा, ओके मैम। ओके एमली डिसूजा, चलिए फिर। हाँ, लाइक और शेयर करते रहिएगा, इसके लिए बार बार बोलना ना पड़े। आप जितने भी हैं लाइक और शेयर करते रहिए, और हर साथ में जितने लोग नए जुड़ते जाएंगे वो सब्सक्राइब भी करते रहे चैनल को, ताकि आने वाले समय में नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे संग जुड़ते रहें। फिर स्टार्ट करते हैं। कल मैंने जो डिजीज़ पढ़ाया था, जो रोग बताए थे, वो बैक्टीरिया से रिलेटेड बताए थे, कि बैक्टीरिया या जीवाणु जिसको कहते हैं, उनसे होने वाले रोग। और मैंने ये भी कहा था कि सारे के सारे जीवाणु जो होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाते, अपितु आपको फायदे भी पहुंचाते हैं। यानी हार्मफुल बैक्टीरिया ही नहीं होते, इनफैक्ट बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी आपके अगल बगल मौजूद है। तो ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उन्हीं से ये सारे रोग होते हैं। और मैंने रोग भी बताए थे आपको कि कौन कौन से रोग जो होते हैं कि बैक्टीरिया से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज वायरल डिजीज को स्टार्ट करते हैं। वायरल डिजीज, जिसको हम बोलते हैं विषाणु से होने वाले रोग। अब देखिए, एक चीज जान जाइए कि विषाणु के बारे में इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बादल पांडे जी, मैम लीवर में विटामिन
कौन अवेलेबल रहता है? देखिए जो है कि बादल जी, विटामिन तो जो है कि पूरी बॉडी में आपकी अवेलेबल होता है, थ्रू द हम लोग जो खाते पीते हैं उन्हीं से विटामिन मिलता है। कोई पर्टिकुलर आपका कोई अंग नहीं है जो विटामिन बनाता हो, लेकिन हाँ आप जो है कि वहाँ पे कलेक्टिव फॉर्म में देखेंगे तो आपके विटामिन बी भी मिलते हैं जो कि कलेक्ट होते हैं। बाइल जूस होता है, मेनली लीवर का काम होता है बाइल जूस को सिक्रीट करना, यानी कि आपका जो पित्त रस होता है वो निकलता है लीवर से, और यही काम होता है लीवर का। और जितने भी विटामिन होते हैं, याद रखिए हमेशा, जितने भी विटामिन होते हैं किसी न किसी स्रोत से उत्पन्न होते हैं और वो बॉडी में, बॉडी द्वारा जो है अवशोषित किए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। सरोज सिंह मैम गुड इवनिंग, बिल्कुल सरोज जी गुड इवनिंग। तो विषाणु के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे, जरा ध्यान से सुनिएगा। विषाणु या वायरस, वायरस कनेक्टिव लिंक्स है। क्या? कनेक्टिव लिंक, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसको हिंदी में कहेंगे कि विषाणु जो है वो एक कड़ी है। कनेक्टिव लिंक मतलब होता है एक कड़ी है किसके किसके बीच, जीवित और अजीवित पदार्थ के बीच की, इसको क्या कहेंगे, कनेक्टिव लिंक। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक किसको कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि पादप और जंतु के बीच का कनेक्टिव लिंक क्या है, यानी कि प्लांट और एनिमल। तो प्लांट और एनिमल में जो है एल्गी है, और इसको अगर बोलेंगे एल्गी इन द सेंस युगलीना, युगलीना को बोलेंगे, एल्गी को नहीं बोलेंगे आप, युगलीना जो है कि प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक है। और ये कहाँ का कनेक्टिव लिंक है, अगर हम बात करते हैं तो लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित और निर्जीव दोनों के बीच का ये कड़ी है। क्यों है इसको भी सुन लीजिए, क्योंकि वायरस जब किसी होस्ट बॉडी में होता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एनिमल, किसी प्लांट या किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर होगा तो वो क्या होता है कि जीवित रूप में होता है। लेकिन अगर वो आपको बाहर कहीं दिखेगा तो एज अ स्टोन या पत्थर की तरह पड़ा हुआ कहीं दिखेगा, तो इस वजह से इसको बोल दिया गया है कि ये जीवित और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी होती है। मानव के शरीर में पानी की कमी से कौन से रोग होते हैं? डिहाइड्रेशन होता है बादल जी, पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बॉडी से पानी बाहर जो है ज़्यादा निकल जाता है, कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन होता है। उसके लिए आप जो है कि ग्लूकोज लेते हैं, इलेक्ट्रॉल लेते हैं और बोतलों को पानी वगैरह चढ़ता है। दिव्यांश जी विकृति डिहाइड्रेशन, हाँ दिव्यांश जी बिल्कुल सही है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गई किसके बारे में बात, वायरस के बारे में। दूसरी बात अगर हम वायरस की करते हैं तो ये प्रोटीन होता है। क्या होता है? ये प्रोटीन से ही बना होता है। अगर हम वायरस की बात करते हैं तो ये प्रोटीनियस होता है, प्रोटीन से बना होता है। फिर भी ये क्या है, नुकसानदायक है, क्योंकि ये जो प्रोटीन होते हैं वो आपके बेनिफिशियल नहीं होते हैं, ये अपितु आपको ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो है वायरस की थोड़ी सी कहानी है। अब स्टार्ट करते हैं वायरल डिजीज के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम डिजीज को देख लेते हैं, सबसे पहले अगर हम डिजीज को देखते हैं तो एड्स बहुत ही फेमस है। एड्स, एड्स के बारे में अगर बात करते हैं तो 1 दिसंबर, भाई 1 दिसंबर क्या है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका पहला पॉइंट यही हो गया कि किस दिन एड्स दिवस मनाया जाता है, किस दिन नहीं, किस तारीख को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो आप टिक करेंगे हमेशा 1 दिसंबर। दूसरी बात अगर हम कर देते हैं तो इसके फुल फॉर्म की जो कि नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको हिंदी में भी क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, इसका कोई विशेष हिंदी तो नहीं होता, आप लिख सकते हैं एक्वायर्ड इम्यून
डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो सिंड्रोम है ये जो आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है। इम्यूनिटी मतलब अगर किसी एड्स मरीज से अगर आप कभी देखे होंगे या सुने होंगे तो ये सुनते हैं कि जिसको एड्स हो जाता है बाकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, यानी उसको कोई भी रोग चाहे वो सर्दी खांसी ही क्यों ना हो वो जल्दी इफेक्ट करेंगे एक नॉर्मल पर्सन की कंपैरिजन में। तो ये होता है एड्स के बारे में। प्रेम नारायण पांडे जी, प्रोटीन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? एक क्वासरकोर एक डिजीज है जो प्रोटीन की कमी से होता है। डॉक्टर अंशु श्रीवास्तव, एड्स की खोज किसने की थी? गुड क्वेश्चन। तो एड्स की खोज जो है कि मेरे अकॉर्डिंग विलियम्स ने की थी, उनका पूरा नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एड्स की खोज, अच्छा ठीक ठीक भोलेंद्र साहू, हेलो जी, बिल्कुल हेलो जी भोलेंद्र जी। और जो है कि देखिए पहले मैं जो बता ले रही हूँ वहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट करिए, क्योंकि चीज़ें सीखने वाली होती हैं। पहले आप सीखिए फिर क्वेश्चन तो करते रहिए। मैं यहीं पे हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और आपके क्वेश्चन का आंसर ना दूँ। तो पहले देखिए मैं क्या पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन अपने करते रहिए। तो देख लीजिए, अगर मैं बात करती हूँ एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम की, तो ये क्या होता है? एक ऐसा सिंड्रोम होता है जो कि डेफिशिएंसी करता है किसके लिए? इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम को आपके कमजोर कर देता है। दूसरी बात, ये किससे होता है? तो इसका बहुत ही फेमस है HIV वायरस। हमको किससे मतलब है? इसी से मतलब है, HIV वायरस। इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका हम फुल फॉर्म क्या लिख सकते हैं? लिखिए ह्यूमन इम्यून वायरस, ठीक है, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। तो अगर आपको ये कभी देखने को भी मिल जाता है अक्सर एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म होगा HIV का, ह्यूमन इम्यून वायरस। इसको हिंदी में भी यही लिखेंगे हम। अब अगर हम बात करते हैं तो इसकी कैटेगरी क्या है, ये वायरस किससे बने होते हैं? तो RNA वायरस इसको कहा जाता है, या एक वर्ड आपका आता है रेट्रो वायरस। तो अगर कभी कैटेगरी पूछ दे कि किस कैटेगरी का है, यानी किस तरीके से बना है, तो आप बोल सकते हैं रेट्रोवायरस या RNA वायरस, रेट्रोवायरस या RNA वायरस। आयुषी सिंह, ग्लैड टू सी यू मैम। बिल्कुल आयुषी, मुझे भी खुशी है आप सभी लोगों को देख के। नेक्स्ट अगर देखिए हम बात करते हैं कि अगर हम इसके क्लिनिकल यानी कि इसके डिजीज के सिम्टम अगर हम देखें, तो सिम्टम में क्या होता है कि फर्स्ट थिंग कि इंसान जो होता है वो बहुत वीकनेस फील होने लगता है, फीवर हो जाता है, साथ में जो है कि अगर हम देखें तो थोड़ी थोड़ी ये स्वेलिंग आने लगती है, और डिजीज से जो लड़ने की क्षमता होती है वो कम होने लगती है। अगर रोग बढ़ जाता है तो मेमोरी कमजोर होने लगती है और इरिटेशन होने लगता है, और लास्ट जो स्टेज होती है वो डेथ हो जाती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि एक अच्छे खासे इंसान को एड्स होने के बाद झेलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सिम्टम में आती हैं। और जो है कि नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तब तक मैं देख लूँ दिव्यांश देवी कीर्ति, व्हेन फर्स्ट डिटेक्टेड ऑफ एड्स वायरस फाउंड। अरे जो है कि भाई दिव्यांश दिव्यकीर्ति, बिल्कुल अगर हम देखेंगे तो ये एक बंदर में ढूंढा गया था सबसे पहले, और वहीं से स्टार्टिंग हुई थी इसकी जो है कि कहानी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, अब कौन सा जो है कि नेक्स्ट जो है आपका आता है कौन सा वायरस? तो चिकन पॉक्स वायरस। अब आप अपने क्वेश्चन जो है कि एक एक करके पूछते रहिए। शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन की कर थ्रोम्बोसाइट्स प्लाज्मा की कमी से, प्लाज्मा कम होने लगता है तो आपका जो है कि शरीर में थक्का भी जमना बंद हो जाते हैं, और कुछ हद तक जो है प्लेटलेट्स भी वर्क करता है इसके लिए। तो आप जो है कि आप देख लीजिए और क्या है क्वेश्चन आपके दिव्यांश देवी के, डिटेक्टेड, बिल्कुल
दिव्यांश जी, अगर हम बात करते हैं तो अगर हम देखें तो इसका जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था तो आप 1983 ले सकते हैं, तब एक्सपेरिमेंट हुआ था किसका, एड्स का। अच्छा, शरीर के अंदर कौन सा रक्त बाकी क्या व्हेन फर्स्ट डिटेक्टेड। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो मोन, तो एक मोंटागियर शायद थे, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, बट यही एक साइंटिस्ट थे मोंटागियर जिसने सबसे पहले एड्स वेड्स के बारे में डिटेक्ट किया था, इसी ने सबसे पहले बताया था। तो यही आपकी खोज में भी आ जाएंगे, इनका नाम आप ले सकते हैं। दिव्यांश जी विकृति, ओके मैम, थैंक यू, वेलकम जी, वेलकम। और बाकी कौन एक और क्वेश्चन आप पूछी थी, उनका भी यही आंसर होगा। तो और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछिए। और सबसे पहले अगर बोला जाए तो ये कोई 33 का इंसान, मतलब 33 ईयर का कोई इंसान था तो उसमें ढूंढा गया था, तो ये बहुत फेमस है। ये तो आप कहीं अगर देखें तो आपको अक्सर मिल जाता है कि किसमें एड्स सबसे पहले ढूंढा गया था। एक इंसान था जो कि आप फ्रांस से रिलेटेड था, फ्रांस में सबसे पहले एक इंसान था, उसी में देखा गया था एड्स के बारे में। अभी तो डिस्कवरी चल ही रही है। और एड्स के बारे में एक और बहुत फेमस बात क्या है कि एड्स की दवा क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि इसका जो वायरस है वो हर सेकेंड अपना सीक्वेंस बदलता रहता है, यानी कि जो डीएनए सीक्वेंस है इसका ये हमेशा चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से अभी तक इसकी दवा नहीं ढूंढ पाए लोग। हाँ, इसको रोकने का कारण जरूर रोक सकते हैं, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो आज बड़ी भाई बड़ी सुस्ती है आप लोग में, थोड़ा शेयर वेयर कीजिए। गेटलिप ने एड्स की खोज की थी ना, बिल्कुल सरोज जी आपका भी देखिए जो है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैंने लिखा तो है मोंटागियर शायद बोलते हैं, वही आपने भी लिखा है, जोड़ के ही लिखा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, चिकन पॉक्स की बात कर लेते हैं। चिकन पॉक्स देखिए, इसको बोला जाता है छोटी माता, सॉरी बड़ी माता, और शायद स्मॉल पॉक्स को छोटी माता आप लोग बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम इसके वायरस की बात करते हैं तो इसके वायरस का नाम होता है पैरामिक्सो वायरस, ये इसके वायरस का नाम होता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, ये मतलब इसके जो एक कंपोजिशन का होता है, तो जैसे कि अगर हम बात करते थे किसकी, कि सबसे पहले हम लोग बात करते थे एड्स की, तो एड्स में मैंने क्या बोला था कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रेट्रोवायरस होता है, मतलब आरएनए का उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी जो कैटेगरी होती है वायरस की वो डीएनए होती है, मतलब इसमें जेनेटिक मटेरियल अगर हम देखें तो डीएनए प्रेजेंट होता है, ये डीएनए वायरस भी कहा जाता है। कुछ हद तक नहीं मैम, ज़्यादा हद तक प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल मैंने बोला ना प्लेटलेट्स है रिस्पॉन्सिबल, बट प्लाज्मा का रोल ज़्यादा होता है इसमें, तो आप प्लाज्मा को इग्नोर नहीं कर सकते। प्लाज्मा एक प्रोटीन है जो कि आपके इसी काम के लिए बनाई है बॉडी में। सब तेज क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स उसी में होता है। अच्छा, मिस्टर हैंडसम, गुड अनुज, मिस्टर हैंडसम, चलिए बहुत अच्छी बात है। पीकू यादव, गुड इवनिंग जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी, डीएनए वायरस मैंने बोला, और अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो स्नेजिंग होगा, चेस्ट पेन होगा, कफ होगा, हाई फीवर होगा, मसल्स पेन होगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो आप अक्सर इसको देखते भी हैं चिकन पॉक्स में, ये सारे जो सिम्टम आपको देखते ही हैं। और साथ में इसमें जो होते हैं स्किन से रिलेटेड डर्मेटाइटिस, यानी कि चेहरे पे दाने वगैरह निकल आते हैं, तो इसमें जो होते हैं इतने आपके सिम्टम होते हैं, फीवर होगा, हाई फीवर होगा, जो है कि स्नीजिंग होगी, ईचनेस होगा, और इसके अलावा जो है कि पेन होगा, और मसल्स पेन बहुत ही इसमें होता है। तो ये जो होते हैं सिम्टम्स होते हैं, आपको मतलब क्या है कि किस वायरस से होता है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कि किस वायरस से होता है। अच्छा, इसका कंटामिनेशन कैसे होता है, फैलता है जो, मतलब सॉरी स्प्रेड कैसे होता है, तो कंटामिनेटेड
जो कि वाटर से भी कभी कभी ऐसा होता है कि इसके जो वायरस होते हैं, मैंने बोला भी कि वायरस जो होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है, तो ये क्या होता है कि जो जिस इंसान को अगर ये हुआ है उसके यूज़ किए हुए कपड़े को यूज़ करता है तो उसको होने के खतरे रहते हैं। तो इसी वजह से पहले के समय में ये सुना जाता था कि माता का कहर हुआ, इतने लोग मर गए, बहुत सुना जाता था। तो ये क्या होता था कि उस समय इसकी मेडिसिन नहीं होती थी, अब क्या होता है कि इसका बचपन में ही आपको टीका लग जाता है जिसकी वजह से आप सुरक्षित रहते हैं। विच वॉज द फर्स्ट वायरस टू बी, देखिए मैं जो बता रही हूँ वो आप लोग पहले देख लीजिए। आप अपने क्वेश्चन दिव्यांश दिव्यकीर्ति जी रखे रहिए लास्ट के लिए, थोड़ा पहले जो टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोग जो है ना चैटिंग बहुत करते हैं, चैटिंग कम करिए, टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए तो मे बी आपको ज़्यादा फायदा हो। कौन रक्त का, चलिए फिर मैं छोड़ ही देती हूँ, आप लोग चैटिंग वैटिंग करते रहिए। इन्फ्लुएंजा वायरस देख लेते हैं हम लोग। सिम्टम्स ध्यान से सुनिए, इसका टाइप क्या है, डीएनए है, आरएनए है, रेट्रो है, ये मतलब टाइप आप कैटेगरी को ध्यान से सुनिए और किस वायरस से होता है ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आ जाते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा ये डिजीज़ का नाम है इन्फ्लुएंजा। और अगर हम इसके वायरस की बात करते हैं तो ये भी पैरामिक्सो वायरस से होता है, ये टाइप है जो हम पैरामिक्सो बोल रहे हैं, ये क्या है एक जीनस है, इसके पीछे स्पीसीज जो है चेंज होती रहती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, ये भी कभी कभी ऐसा करके आ जाता है वायरस, या आप कर सकते हैं पैरामिक्सो वायरस, ये दोनों आप आंसर लिख सकते हैं। तो आए तो आप टिक भी कर सकते हैं। और इसका जो टाइप होगा ये डीएनए ना होके क्या होगा, आरएनए, किस कैटेगरी में होगा, आरएनए वायरस की कैटेगरी में होगा। देखिए कुछ जो होते हैं मैंने बताया भी, कुछ जो वायरस होते हैं वो आरएनए से बनते हैं, मतलब आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, कुछ में डीएनए होता है, तो ये इसकी कैटेगरी हो जाती है। तो इनसे जो है कि आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो होगा वो आरएनए आपका वायरस होगा, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से भी जाना जाता है और साथ में पैरामिक्सो वायरस भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसके जो आपके सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो नसल डिस्चार्जेज होते हैं, नाक से पानी आने लगता है, हाई फीवर होता है, कफ होता है, साथ में आपकी जो वॉइस होगी वो जैसे बोलते हैं ना कि आवाज में खरखराहट है, मतलब आवाज जो है कि आपकी सही नहीं होगी, वाइट ग्रे या स्पॉट डेवलप हो जाएंगे, माउथ रीजन जो होगा वो आपका जो है कि इफेक्टेड होगा, और इसके अलावा जो होते हैं इसमें कुछ रैसेस पड़ जाते हैं। तो रैसेस वाला भी इसमें बहुत ही नॉर्मल सिम्टम है जो दिखता है, और अगर एक मतलब एक अच्छे खासे इंसान की बात करें तो 15 से 20 दिन में इसके सिम्टम सामने आ जाते हैं इन्फ्लुएंजा के। तो इन्फ्लुएंजा का मेन जो है वो रीज़न आपका माउथ रीजन है पूरा इफेक्ट करने का, और अगर माउथ रीजन इफेक्ट होता है तो फिर उसके बाद आपके लंग्स वगैरह तो इफेक्ट होने ही होने हैं। तो इन्फ्लुएंजा वायरस में आप तुरंत इसके भी जितने भी वायरस होते हैं इनके लमसम लमसम टीके बने हुए हैं तो आपको टाइम टू टाइम लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई इफेक्ट हो जाता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इसमें जो है कि ज़्यादातर वायरस को ख़त्म करने के लिए या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए जो कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। और एंटीबायोटिक्स कोई दवा नहीं होती है, एंटीबायोटिक्स का काम होता है किसी भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके उसी स्टेज पे रोक देना, उसके बाद तो बाकी दवा काम करने ही लगती है। तो आजकल देख भी रहे हैं डॉक्टर्स हर किसी भी डिजीज़ में अगर आपको सर्दी जुकाम भी है तो एक एंटीबायोटिक्स ज़रूर दे देते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं तो मम्प्स, मम्प्स भी एक डिजीज़ है। जिसको कभी कभी अब जल्दी जल्दी जरा बताइए कि मम्प्स को आप हिंदी में क्या कहते हैं, गलसुआ शायद कहते हैं, मम्प्स को क्या कहते हैं हिंदी में जल्दी बताइए। आपके पढ़ाने का तरीका से हम खुश हैं मैम, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, जल्दी जल्दी बताइए कि मम्प्स को हिंदी में क्या कहते हैं तो मैं देखूँ कि मैं सही हूँ कि नहीं। टॉपिक पढ़ा रही हैं, सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, सभी टॉपिक से
बाहर ना जाएं। हाँ बिल्कुल, बाकी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे तो उनसे रिलेटेड तब आप क्वेश्चन करिएगा, जो पढ़ रहे हैं अभी उससे रिलेटेड करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, और अगर इधर उधर करेंगे तो मैम को भटकाएंगे, साथ में अपने भी भटकेंगे। तो सही कह रही है, एजुकेशन पॉइंट जो भी है सही कह रहे हैं आप, थैंक यू फॉर। देखिए फिर इसका अगर हम बात करते हैं तो ये भी मम्स वायरस के नाम से जाना जाता है, मम्स कुछ तो वायरस उसी के नाम पे जाने जाते हैं, मम्स वायरस। या इसके अलावा आप एक और इसको, ये भी जो है वो पैरामिक्सो वायरस है, पैरामिक्सो वायरस। ये सब इसी जीनस के हैं, मतलब इसी एक जीनस की वजह से ये सारे डिजीज हो रहा है, इस वजह से इन दोनों में से जो भी नाम आता है आप इसमें टिक कर सकते हैं। तो मम्स वायरस जो होता है इसको गलसुआ भी हिंदी में शायद बोलते हैं, शुष्क वायरस। अच्छा हाँ, शुष्क वायरस वही भाई, गलसुआ जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो फिर इसकी बात करते हैं तो ये भी आरएनए से, इसकी कैटेगरी क्या होगी, आरएनए वायरस की होगी। अच्छा कब से आरएनए डीएनए सुन रहे हैं, तो सुन लीजिए पहले, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोनों में अंतर क्या होता है, तो डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है, और अगर हम इसकी बात करते हैं आरएनए की तो यहाँ यूरेसिल प्रेजेंट होता है, बाकी प्यूरिन पिरिमिडिन तो दोनों में ही प्रेजेंट होता है। तो हम अगर आगे बात करते हैं तो इसमें जो होता है, एक होता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड क्या है, आपकी जो लार ग्रंथियां होती हैं, ये तीन जोड़ी होती हैं, ये आपको भी पता है। तो तीन जोड़ी अगर लार ग्रंथियां हैं तो पैरोटिड जो होता है उसमें सूजन आ जाता है, उस ग्लैंड में सूजन आ जाता है, और वो जो होता है बढ़ जाता है, कान के पास होता है तो ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है पूरे कान से लेकर नेक तक, और दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी बड़ा कंडीशन, बहुत खराब कंडीशन होती है, तो इसमें भी आपके एंटीबायोटिक्स ही काम आएंगे। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो मिसेस, मिसेस की बात कर लेते हैं। अच्छा वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आज बहुत लोग गायब है भाई, रामलाल जी, रामलाल जी भी नहीं दिख रहे हैं, और क्या कल बहुत लोग थे, आज बहुत लोग अब्सेंट हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि आज तो कल के मुकाबले आज बहुत कम लोग दिख रहे हैं मुझे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, आप लोग शेयर करिए वीडियो को। देख लेते हैं नेक्स्ट, मिसल्स। मिसल्स तो फर्स्ट अगर हम देखें मिसल्स को, तो इसका जो वायरस होता है वो बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा जाता है टोगा वायरस, या कहीं कहीं टैगो वायरस भी बोला जाता है, और कभी कभी मिसल्स वायरस भी कहा जाता है। ये इन नामों से ही जाना जाता है। क्या क्या हो सकता है, टोगा वायरस, कहीं कहीं टैगो वायरस दिया रहता है, और कहीं कहीं मिसल वायरस भी, तीनों ही अगर आते हैं तो आप टिक्स करेंगे, क्योंकि ये तीनों सही हैं। और इसकी जो कैटेगरी होगी वो क्या होगी, आरएनए वायरस की होगी। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए वायरस, ये आरएनए से बना, आरएनए इसमें प्रेजेंट होगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो रेसिस पर जाते हैं, जो कि ज़्यादातर ये बच्चों में होते हैं, चिल्ड्रन में होते हैं, और वुमेन की अगर बात करते हैं तो फिटेस वाली जो कंडीशन होती है, तो मे बी डेवलप्ड, इसमें अगर हम बात करते हैं तो अगर फीटल कंडीशन में किसी फीमेल को हो जाता है, जैसे अगर कोई गर्भवती महिला को हो जाता है, तो जो उसका फीटस होता है, बच्चा होता है गर्भ का, वो मेंटली मतलब रिटार्डेड पैदा होता है, थोड़ा दिमाग से कमज़ोर होगा। हैव अ गुड नाइट टू यू एंड योर वीवर आल्सो, ओके बाय। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो आगे हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चों में होते हैं, रैसेस पड़ जाते हैं मिसल्स में, और इनकी भी क्या दवा है, आप एंटीबायोटिक्स ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम। और अगर किसी इन सभी वायरस या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड डिजीज़ है और आप सही टाइम पर अगर दवा नहीं करते हैं तो उसमें इंसान की डेथ भी हो सकती है।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो एक और डिजीज आता है। देखिए एक चीज़ और जान जाए कि अगर हम मिसल्स की भी बात करते हैं तो ये कई स्पीसीज के होते हैं, इसमें रूबेला वायरस भी काम करता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मिसल्स जो है कि टैगो वायरस से या फिर जो है कि मिसल्स वायरस से ही हो रहा है, इसमें एक और जो है कि वायरस होता है वो एंट्रो वायरस भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग अगर डिजीज का नाम बोले तो जर्मन मिसल्स भी बोल सकते हैं। क्या है इसमें अगर हम आगे लगा देते हैं जर्मन जर्मन, तो जर्मन वायरस की अगर हम जर्मन मिसल्स की बात करते हैं तो एंट्रो वायरस क्या हो जाएगा, एंट्रो वायरस। और एक चीज बोल सकते हैं इसको, अगर हम बोलना चाहें तो इसको रूबेला वायरस, नाम भी सुना होगा आपने रूबेला वायरस। कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि व्हाट्सएप पे बहुत शेयर हो रहा था एक फ़ोटो, और उसमें लिखा गया था कि कौन सा ड्रिंक पीने से इसमें रूबेला वायरस था, जिसकी वजह से मतलब बड़ा ख़राब सा कंडीशन दिया था। तो एक्चुअली में रूबेला वायरस का यही काम होता है किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का, कि आपकी बॉडी में जाके वो लगातार डिवीज़न करता है, और जैसे जैसे उसकी प्रजातियाँ बढ़ती हैं आपकी जो है बॉडी में सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। मैथ्स का क्विज था तो डाउट क्लियर करने में कोई नहीं, कोई नहीं, आपका काम बहुत अच्छा है अंकित सर। नेक्स्ट हम देखते हैं पोलियो, ये तो बहुत अमिताभ बच्चन जी करते हैं इसका प्रचार, तो आप लोग इससे तो सभी जो है कि परिचित ही होंगे पोलियो वायरस से। देख लिया जाए पोलियो वायरस को जरा, पोलियो, पोलियो जो है हिंदी में भी पोलियो ही कहा जाता है। तो महिमा मौर्य, हेलो मैम, हेलो जी महिमा, एंड बिल्कुल। तो देखते हैं अगर पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो माइसिटिस भी कहते हैं, और इसके अलावा अगर हम इसके वायरस की बात करते हैं तो रैबडो वायरस, इसको एक चीज दो चीज़ भी बोल सकते हैं हम लोग, पोलियो वायरस भी बोल सकते हैं, पोलियो वायरस भी कह सकते हैं, और इसके अलावा एक और कह सकते हैं हम इसको, क्या, रैबडो वायरस। तो इन दोनों में से जब भी कोई नाम आए आप उसको सही करेंगे, दोनों ही सही है। तो पोलियो किस वायरस से होता है, तो पोलियो वायरस से, पोलियोमाइसिटिस भी कहते हैं पोलियो को। तो अगर आए तो आप टिक कर लीजिएगा, और इसका जो टाइप होता है मतलब कैटेगरी कौन सा होगा, तो इसका आरएनए, जितने भी वायरस होते हैं मैक्सिमम आरएनए वायरस होते हैं, कुछ ही होते हैं जो डीएनए वायरस होते हैं, बाकी सभी के सभी मैक्सिमम आरएनए वायरस होते हैं। अब जो है कि अगर हम बर्ड फ्लू की बात कर लेते हैं तो पहले इसके थोड़े सिम्टम देख लेते हैं कि पोलियो में होता क्या है। अगर हम देखें पोलियो में तो ये किसकी वजह से होता है, तो आप अगर पोलियो की बात करते हैं तो रैबिट, डॉग, कैट, मंकी, जैकॉल, और जो है कि जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, तो कार्निवोरस एनिमल की वजह से होता है, अगर वो कट कर लेते हैं कहीं तो उसकी वजह से होता है। और इसमें होता क्या है कि हाइड्रोफोबिया लाइक सिम्टम्स दिखने लगते हैं पोलियोमासिटीज में, पोलियो में। साथ में इसमें जो होता है कि कभी कभी न्यूट्रिएंट्स कम लेने की वजह से होता है, जैसे बॉडी में डिफिशियंसी हो गई न्यूट्रिएंट्स की तो भी पोलियो आपके हो जाते हैं। तो पोलियो के लिए टीके लगते हैं, 5 साल तक लगातार ड्रॉप पिलाया जाता है बच्चों को पोलियो के, ताकि ये पोलियो टीके जो है कि भारत सरकार द्वारा तो फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि देश पोलियो रहित हो। तो इसका तो आप ऐड हमेशा टीवी पे देखते रहते हैं, तो इसकी जो दवा होती है वो घर घर घूम के पिलाई जाती है। इसमें होता क्या है कि दोनों पैर की हड्डियाँ जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं बच्चे की, और वो पैर से ही चलने फिरने में असमर्थ रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, दो डिजीज जो है, बर्ड फ्लू की बात कर लेते हैं, ये भी एक बार बहुत फैला था। अक्सर आप इसका जो डिजीज आप देख रहे हैं ये कभी ना कभी फेमस रहते हैं। तो अगर इनकी बात करते हैं तो H5N1, याद रखिएगा किससे होता है, H5N1 वायरस। ये जो वायरस होते हैं ये नेमिंग किए जाते हैं, ये तैयार किए जाते हैं लैब में, ऐसे वायरस होते हैं। तो H5N1 वायरस है जिसकी वजह से बर्ड फ्लू होता है। ये बर्ड्स में होता था, मतलब जैसे चिकन वगैरह ले लेते हैं तो उनमें होता था, और उनको खाने वाले लोग भी इफेक्टेड होते ही होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर किसको नुकसान पहुँचाता था, ये बर्ड्स में ज़्यादा नुकसान पहुँचाता था। और ये होता कैसा है, तो आरएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस होता है।
अगर इसकी बात करते हैं तो फ्लू, मैंने बोला भाई कि ट्रांसमिटेड किसके थ्रू ट्रांसमिट होगा, किसके थ्रू फैलेगा, तो जो बर्ड्स को होता है उन बर्ड्स को इंसान खाता है और इंसान में ये वायरस पहुंच जाता है किसके थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, या बर्ड्स के साथ आप रह रहे हैं उस बर्ड्स को ये फ्लू है तो फिर आप तक भी इसके जो सिम्टम्स है कुछ कुछ आप में भी दिखने लगेंगे। स्वाइन फ्लू की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत फेमस हुआ था स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्वाइन फ्लू में क्या होता है, H1N1, ये भी आप बहुत नाम सुनते हैं, H1N1 वायरस। कौन सा वायरस? H1N1 वायरस, कौन सा? स्वाइन फ्लू का है। और अगर इसकी कैटेगरी देखें तो ये भी आरएनए वायरस है। कैटेगरी क्या है? आरएनए वायरस की कैटेगरी है। अब अगर हम बात करते हैं तो फ्लू जो होता है या इन्फ्लुएंजा होता है वो मैन मतलब इंसान में होता है। ये जो होता है कौन सा, स्वाइन फ्लू, ये किस में होता है? इंसान में होता है। और ये फैलता कैसे है? तो स्वाइन फ्लू जो फैलने का कच्चे मांस खाने की वजह से होता है। स्वाइन फ्लू ज़्यादातर जो है कि पिग वगैरह जो लोग खाते हैं तो उनके जो कच्चे मांस होते थे पहले एनिमल्स में इफेक्ट करता है और फिर एनिमल को जब इंसान खाता है तो इंसान में ये इफेक्ट करता था। अब लास्ट वाला जो है COVID-19 के बारे में सुन लेते हैं हम लोग जरा। COVID-19 तो इसको अगर हम देखें तो आजकल आप नाम भी दे रहे हैं क्या, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। और इसका जो टाइप है वो कैसा है, आरएनए वायरस। क्या है? आरएनए वायरस। इसके सिम्टम क्या होते हैं कि भाई पहले सर्दी जुखाम होगा, रनिंग नोज होगा, नाक से पानी आने लगेगा, गले में खराश होगी, फीवर, हाई फीवर होगा, साथ में धीरे धीरे इंसान का जो मतलब एक लंग्स एरिया है वो इफेक्ट हो जाता है और लास्ट इसका जो ऑप्शन होता है वो इंसान की डेथ हो जाती है। ये फैलता कैसे है? तो ये भी जो है कि किसी भी ट्रांसमिट कैसे होगा, तो किसी इंसान से किसी इंसान में ये पहुंच सकता है, यानी कि ये एयरबॉर्न है, हवा के जरिए पहुंच सकता है, पानी के जरिए भी कुछ मात्रा में पहुंच सकता है, बट ज़्यादा हवा के जरिए पहुंचेगा क्योंकि ये एयरबॉर्न है। मैम मेरा कमेंट पढ़िए। अच्छा कौन है भाई? मणिशंकर मिश्रा जी, बिल्कुल आपका कमेंट पढ़ रहे मणिशंकर मिश्रा जी। तो अब आ गए आप लोग की बारी आपके कुछ कमेंट्स पढ़ने के और फिर एक क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, डीएनए आरएनए से रिलेटेड मैं पूछूंगी। क्यूट किलर अवंती का, वेरी गुड मैम। अच्छा थैंक यू भाई, आप लोग वेरी गुड कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल मेरा ही तो पेपर होगा। सही है आर्यन यादव, बाय मैम। आर्यन जी बाय की स्पेलिंग देखिए, चेक करिए, कोरोना वायरस कितना स्टैंडर्ड होता है। अभिषेक सिंह भाई स्टैंडर्ड तो बहुत है, पूरा कोहराम मचा के रखा है कोरोना वायरस ने। तो अगर हम बात करते हैं तो आरएनए है तो सिंगल स्टैंडर्ड ही है, और कोरोना वायरस में क्या है कि ये थोड़ा डेवलप वायरस है, पहले भी था ये वायरस बट अभी डेवलप वायरस है ये, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है इसके जो है कि मेडिसिन बनाने में। नहीं तो ये पहले भी हुआ करता था लेकिन अपने आप को म्यूटेंट कर लिया है, म्यूटेशन के जरिए अपने आप को बहुत बढ़ा लिया है। तो नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्या है, पोलियो ड्रॉप का इन्वेंशन कौन किया है? मणिशंकर जी, पोलियो ड्रॉप का इन्वेंशन कौन किया? अच्छा तो अमिताभ बच्चन से आपका मन भर गया लग रहा है। चलिए ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे ही देते हैं, और उसके पहले जो है आपका क्वेश्चन का आंसर दे, उसके पहले एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर आपके क्वेश्चन का आंसर भी देती हूँ। इनमें से कौन सा डीएनए वायरस, आप हिंदी में ही लिख रही हो ताकि सबको समझ में आए, डीएनए वायरस है, विच वन इज डीएनए वायरस, फर्स्ट
सेकेंड थर्ड फोर्थ पोलियो चिकन पॉक्स और आपका ले लीजिए स्वाइन फ्लू एंड लास्ट ले लेते हैं हम लोग मम्स। तो देख लेते हैं तब तक मैं इनके भाई पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की, तो जोनास सॉल्क ने शायद की थी, जोनास सॉल्क लिख लीजिए आप नोट कर लीजिए कहीं पे। जोनास सॉल्क ने और कब की थी ये तो भाई आप जो है कि 1955 टू 1956 लिख लीजिए, मे बी अप टू 56 आप ये लिख सकते हैं जो कि, और जो है कि पूरी तरह जब ये ढूंढने की बात आई थी ना तो ये इस समय एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और जब पूरी तरह ढूंढने की बात आई थी तो 1961 की बात आई थी, पूरी तरह से डेवलप हो गया था। तो पोलियो वायरस की जो है कि पोलियो वायरस कह रहे पोलियो ड्रॉप की खोज जो है कि जोनास सॉल्क ने बनाया था डी। अच्छा इसके अगर यूज़ की बात कर देते हैं हम लोग, तो यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो अल्बर्ट ने सबसे पहले इसको यूज़ किया था, ठीक है। तो इसको भी नाम अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं अल्बर्ट सबिन, ये जो करके एक साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले जो है कि यूज़ करवाना स्टार्ट किया। कैंसर आपका रामलाल पोलियो, और रामलाल जी पोलियो गलत है भाई। हर्ष कुमार डी, मम्स सब डी डी डी। अभिषेक सिंह राणा कोई नहीं, अरे कोई नहीं कैसे, आपको आपका आंसर मिलना चाहिए। तो आपको आई थिंक देख रहे होंगे ऑप्शन, देखिए तो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बताते रहिए। अच्छा आयुष कुमार फर्स्ट, वेरी गुड आयुष, आपने डिलीट क्यों कर दिया भाई। आयुष कुमार ए सही है, विवेक मिश्रा जी ए, देर आए दुरुस्त आए, आप लोग जो है कि सही कीजिए अपने आंसर को। मिस्टर रमेश जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं गलत होता है होने दीजिए, कुछ नया पता चलता है, गलत आंसर देने से कुछ नया पता चलता है, आपको अपना आंसर मिलता है, और अगर आप सही होते हैं तो एक खुशी तो होती ही है, साथ में गलत होने पे भी खुश होना चाहिए, कुछ नया पता चलता है इंसान को। रोशनी ओझा ए, बिल्कुल ए ही है आंसर, मैंने बताया था पहले भी चिकन पॉक्स जो है वो डीएनए वायरस है और बाकी जो है वो सब के सब आरएनए वायरस है। तो फिर एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि जो है कि स्वाइन फ्लू का वायरस कौन सा है, स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम क्या है। जल्दी जल्दी ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, फिर भी अगर आप चाहेंगे तो ऑप्शन दे दूंगी मैं। H5N1 वायरस, H6N2 वायरस, H2N1 वायरस, या जो कि H1N1 वायरस। देखिए मैंने बोला है कि स्वाइन फ्लू का कौन सा इसमें से सही है, स्वाइन फ्लू कौन से वायरस से होता है, ध्यान दीजिए H5N1 वायरस, H6N2 वायरस, H2N1 वायरस या H1N1 वायरस। बहुत फेमस है स्वाइन फ्लू, अरे अभी बहुत साल नहीं बीते हैं जो चेकिंग चलती थी। हाँ वेरी गुड गजब, बहुत सही बहुत सही, आप सभी ने आंसर बहुत अच्छा दिया है H1N1 वायरस। आयुष रोशनी ओझा, आयुष कुमार, मणिशंकर मिश्रा जी और अभिषेक सिंह राणा, विकास यादव, हर्ष कुमार, रोशनी ओझा, बिल्कुल सभी, महिमा मौर्य, रामलाल, हर्ष कुमार, विवेक मिश्रा, एमली डिसूजा एंड मिस्टर रमेश जी, हाँ बिल्कुल सही। एमली डिसूजा आप गलत हैं, एमली डिसूजा आप अपने आंसर को सही कीजिए। फिर है विष्णु गुप्ता जी, इन्होंने भी सही आंसर दिया है, और लक्ष्मी तिवारी आपका भी आंसर गलत है भाई, H5N1 कैसे हो सकता है। ये तो मैंने बताया ना आपको कि अगर इसकी बात करते हैं बर्ड फ्लू में आप पहुंच गए, मैंने पूछा है स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू में तो भाई H1N1 वायरस ही होगा। तो थोड़ा आंसर को सही करिए एमली डिसूजा एंड लक्ष्मी तिवारी जी।
बट नाइस अटेम्प्ट किया क्वेश्चन को। तो ये बीच बीच में क्वेश्चन जो होते हैं बड़े मज़ेदार से होते हैं और मुझे लगता है आप लोगों को बड़ा मज़ा भी आता है क्विज खेलने में। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? अब ये आप टाइप करेंगे एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ये मैं आपको ऑप्शन नहीं देने वाली क्योंकि आप लोग जो है ऑप्शन ना तुक्का मार लेते हैं ए बी सी डी कुछ भी कुछ भी। तो ये आपको अपने से आंसर देना है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। अब आप आंसर दीजिए। दीक्षा सिंह जी मैम बिल्कुल, आयुष कुमार एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी वायरस, वेरी वायरस नहीं होगा, आप थोड़ा सा गलत हो गया, आपका मार्क्स जीरो हो जाएगा। एक्वायर्ड की स्पेलिंग सही करिए अभिषेक सिंह राणा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, हाँ आप सही हैं, आप टिक सही कर लेंगे। ऋषिकांत ओझा जी आप भी सही हैं, देखिए आप लोग की स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है बट हाँ वो टिक करने के लिए सही है, एग्जाम में आप सही टिक कर लेंगे। सिंड्रोम होगा वायरस नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एस फॉर सिंड्रोम, ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यून, डी फॉर डेफिशिएंसी और एस फॉर सिंड्रोम। जो आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी है उसके डिफिशियंसी की वजह से ये सिंड्रोम होता है। विवेक मिश्रा जी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, हाँ बिल्कुल सही, एमनी डिसूजा, आई एम नॉट बायो स्टूडेंट मैम सो प्लीज दिस इज नॉट बायो क्वेश्चन, ये मैंने क्या बोला, जनरल साइंस पढ़ा रही हूँ भाई आपको, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है। और मैंने एड्स तो जो है कि आजकल सब जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं एड्स के बारे में, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं बायो की स्टूडेंट नहीं, मैं बायो वाले टॉपिक ही नहीं पढ़ा रही, अगर बायो में जाऊँगी तो बायो वाले स्टूडेंट जानते हैं कि बायो बहुत डीपली है और वो तो मैथ्स वालों के समझ के बाहर है, लेकिन ये जो है वो जनरल साइंस है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे अपने आप को गिव अप नहीं कर सकते, आप आंसर दीजिए गलत ही सही। आयुष कुमार मैं तो मैथ्स बिल्कुल, आयुष फिर भी मैथ्स के होते हुए भी सही आंसर दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। दीक्षा सिंह एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, हाँ बिल्कुल सब सही है, वेरी गुड। अभिषेक कुमार गुड इवनिंग मैम, हाँ गुड इवनिंग अभिषेक। रामलाल एचआईवी का, वाह रामलाल जी आप एक कदम आगे चलते हैं, मैंने एड्स पूछा आप एचआईवी का भी बता रहे हैं, इतनी जल्दीबाजी सही नहीं है, आप वेट कीजिए क्वेश्चन का कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछूं या टॉपिक में आगे बढ़ूं, जल्दी से आंसर दीजिए एक और क्वेश्चन या टॉपिक में आगे बढ़ूं। चलिए फिर आगे ही बढ़ते हैं। किसी का गौरव एक और पूछूं, अरे गौरव बड़े देर बाद बोला भाई, इतना शांति से आप कैसे बैठे हैं, आप तो मेरी क्लास में इतने शांत नहीं बैठते हैं। मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं कि लास्ट में एक हाथ ऊपर करके मुझे क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वन मोर क्वेश्चन, ओके हर्ष बिल्कुल। तो एक और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि एंट्रोवायरस, मैंने ये बताया भी है, एंट्रोवायरस की वजह से कौन सा डिजीज होता है, विच डिजीज कॉज बाय एंट्रोवायरस, ठीक है। क्वेश्चन तुरंत बनता है इसलिए आपका, ठीक है तो इसमें लिखते हैं मिसल्स लिख देते हैं, फिर ले लेते हैं हम लोग फ्लू, बर्ड फ्लू, और एक और ले लेते हैं क्या, तो इसमें कौन सा एक और डिजीज ले लेते हैं, ले लेती हैं, चलिए हाँ। तो देख लीजिए जो है कि एंट्रोवायरस से कौन सा डिजीज होता है, या कौन सा डिजीज एंट्रोवायरस की वजह से होता है। तो फर्स्ट है मिसल्स, सेकंड है जर्मन मिसल्स, थर्ड है बर्ड फ्लू और फोर्थ है पोलियो। अभी आया फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद,
अच्छा चलिए गौरव, बहुत अच्छी बात है, आंसर जल्दी जल्दी दे लीजिए। और जब लेट आए हैं तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत अपना दिमाग ही चलाना पड़ेगा, बट ठीक है, प्रोटोजोन्स वाले में आंसर दीजिएगा। गौरव डी, अंकित डी, ऋषिकांत अच्छा, वेरी गुड ऋषिकांत जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और लगातार जितने भी क्वेश्चन मेरे आ रहे हैं उनके आंसर आप सही से दे रहे हैं। मिस्टर रमेश बी बिल्कुल सही है मैम, इस से माउथ फुट और हैंड में प्रॉब्लम आता है। हाँ बिल्कुल आयुष, लेकिन आंसर देना था आपको, ऑप्शन मैंने दिया है। विष्णु गुप्ता जी बी, बी रामलाल जी बी, आशीष तिवारी डी, डी कैसे होगा आशीष तिवारी भाई, हर्ष कुमार डी, प्रियांशु श्रीवास्तव ए, ए भी नहीं होगा प्रियांशु जी, गलत है, विवेक मिश्रा बी, तो ठीक है, बहुत ही अच्छा आप लोग जा रहे हैं। और एस सिंह जी वेरी नाइस, अच्छा थैंक यू थैंक यू। अर्चना पांडे पोलियो, पोलियो कैसे होगा, अभिषेक सिंह राणा मिसेस तो रुबेला से होता है, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे मैंने बात किया है जर्मन, मैंने एक चीज़ और बताया, रुबेला को ही एंट्रोवायरस भी कहते थे, ये भी मैंने बताया था, अगर आप पीछे थोड़ा जाइए तो मैंने बोला रुबेला भी बोल सकते हैं एंड हम जर्मन मिसेस को एंट्रोवायरस के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है फिर फाइनल करते हैं बी को, आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं बी, और जिनका गलत हुआ है वो घबराए नहीं, अभी प्रोटोजोआ बाकी है, तो चलते हैं प्रोटोजोआ पे। विवेक मिश्रा मैम तुक्का महंगा पड़ रहा है बिकॉज, तो ये सब गलत बात है, आप मैथ्स स्टूडेंट हैं तो क्या साइंस नहीं पढ़ेंगे क्या, एसएससी अगर देंगे एसएससी में साइंस वाले क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, छोड़ दीजिएगा, फिर क्या ही कर सकता है, सिलेक्शन ले लीजिए या फिर आप मैथ और बायो कर लीजिए, अभी ज्वाइन किया है ना, हाँ कोई नहीं कोई नहीं, आप सभी से ही मैं बार बार कह रही हूँ कि या तो आप मैथ्स बायो कर लीजिए या फिर आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए, जनरल साइंस पूछना ही पूछना है, और ये तो जनरल साइंस है, क्या बायो वाले इतना बेसिक जाके थोड़ी पढ़ते हैं, उनका जो है बायो स्टैंडर्ड थोड़ा और हाई होता है। एड्स का एक और नाम क्या है, अच्छा मणिशंकर जी एड्स का एक और नाम क्या है भाई, इसको तो हम लोग एड्स ही बोलते हैं, एचआईवी बोल देते हैं आप, और क्या बोलेंगे, तो आप बता दीजिए क्या है एक और नाम, मणिशंकर मिश्रा जी, दीक्षा सिंह, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि 10 बजे तक, बिल्कुल दीक्षा सिंह जी थैंक यू सो मच। अब देख लेते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटो जोन्स, ठीक है, प्रोटो जोन्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक प्रोटोजोआ नहीं है, और अगर प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो पहले थोड़ा प्रोटोजोआ के बारे में जान जाते हैं। एक्चुअली प्रोटियस एक देवता हुआ करते थे जिनको बोला जाता था समुद्र का देवता, ठीक है, तो प्रोटियस का ये मानते थे लोग कि प्रोटियस देवता जो है उनको कितना भी आप कट कर दीजिए वो उनके अनेक रूप हैं, वो हर रूप में आ जाते हैं, वैसे ही प्रोटोजोआ को आप जितने भी पार्ट में तोड़ेंगे वो क्या होगा, एक नया प्रोटोजोआ बना लेता है। जैसे अमीबा को ही ले लीजिए, अमीबा को आप जितने पार्ट में कट करेंगे वो एक नया जो है कि अमीबा फॉर्म कर लेगा। तो ये जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल आते हैं वो सब के सब रखे जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, एंट अमीबा हो जाएगा, जो है कि आपको बहुत फेमस है मलेरिया वाला, जिसको क्या बोलते हैं प्लाज्मोडियम बोलेंगे, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, यूग्लिना पैरामीशियम, ये सब आ जाएंगे किसमें, प्रोटोजोन्स में। तो इनसे होने वाले डिजीज को जरा डिस्कस कर लेते हैं। और अभिषेक सिंह, अरे घबराइए मत, सभी डिजीज आएंगे अभिषेक जी, बस बने रहिए, सभी डिजीज आएंगे। प्लाज्मोडियम, देखिए आप लोग खुद ही आंसर दे रहे हैं, खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो चलिए कुछ डिजीज देख लेते हैं, उनके जो है कि कॉजिट जो कॉजिंग एजेंट है उनको देख लेते हैं, और साथ में वेक्टर जिनसे वो ट्रांसमिशन उनका होता है, और बाकी जो बॉडी पार्ट इफेक्ट होते हैं। तो पहला देख लेते हैं हम लोग, जिसका नाम क्या है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, अगर हम एक और चीज देखें तो इसको एक और चीज बोल सकते हैं आप,
गैम्बियन, गैम्बियन फीवर, ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिएगा, ये दोनों नाम पूछ लेता है। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या गैम्बियन फीवर होता किससे है? तो अगर हम कॉजेटिव एजेंट की बात करते हैं तो ट्रिपैनोसोमा, बहुत नाम सुना है इसका, और ये पूछता भी है कि ट्रिपैनोसोमा कॉज विच डिजीज, कौन सा इनमें से रोग ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है। तो आप याद रखिएगा कौन सा, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या आप क्या कर सकते हैं और मतलब क्या, या गैम्बियन फीवर। तो गैम्बियन से बना गैम्बियंस, तो आप लिख सकते हैं क्या, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये हो जाएगा इसका जो है कि कौन, पॉजिटिव एजेंट कॉजिंग एजेंट, ठीक, जिससे कि रोग होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो किससे फैलता है, तो सी सी फ्लाई, एक मक्खी होती है जिसको बोलते हैं सी सी फ्लाई, बड़ी डरावनी सी होती है, आप इसको गूगल पे देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, जंगल, अफ्रीका के जंगल में मिलता था, और इसमें होता क्या था कि अगर ये किसी को काट लेती थी मक्खी तो उसमें ये जो है कि ये जो आपको दिख रहा है प्रोटोजोआ वो पहुंच जाता था और इंसान का चेहरा बहुत ज़्यादा सूज जाता था। तो पहले क्या होता था, इसके मतलब मेडिसिन नहीं थी, इसके बारे में लोग नहीं जानते, तो अफ्रीका के लोग क्या करते थे कि ये लोग सोचते थे छून मतलब फैलने वाला रोग है, जिस इंसान को होता था उसको काट के ख़त्म कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब लोग थोड़ी जानकार होने लगे तो उनको पता चला कि किससे हो रहा है, ट्रिपैनोसोमा एक परजीवी है जिसकी वजह से ये डिजीज हो रहा है, ये रोग हो रहा है, और इसको फैलाने वाला कौन है। तो आप नोट कर लीजिए, ये भी बहुत सी सी फ्लाई, टी साइलेंट है, सी सी फ्लाई, नोट कर लीजिए सी सी फ्लाई, या इसको एक और चीज बोलते हैं, इसका एक और नाम है ग्लोसीना पल पैलिस, ग्लोसीना पल पैलिस, ठीक है। तो ये आपका जो है कि ग्लोसीना पल पैलिस है, ये भी नाम हो सकता है, और इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, सी सी फ्लाई भी बोल सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता किससे है, तो जो इसको एक और चीज़ बोलते हैं गैम्बियन फीवर भी बोलते हैं, बुखार बोलते हैं गैम्बियन बुखार, और इसमें क्या होता है कि ट्रिपैनोसोमा एक परजीवी होता है जिसकी वजह से ये होता है। ये कैसे होता है, तो सी सी फ्लाई जो मक्खी होती है वही अपने माउथ में लेके जाती है और वो जिसको काटती है या जिसकी मतलब फूड में जो है कि बैठ गई या किसी भी कंटामिनेटेड फूड वाटर कहीं भी, तो उसकी वजह से उस इंसान को ये डिजीज़ हो जाता है, और इसमें जो है कि इंसान पूरी तरह से वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है कि कमज़ोर अपने आप को फील करने लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप लोग, और स्किन शॉट जिसको लेना वो स्किन शॉट भी लेता रहे। नेक्स्ट देखिए, डिसेंट्री, जिसको आप पेचिस भी बोलते हैं कुछ लोग, डिसेंट्री, अगर डिसेंट्री की बात करते हैं तो एक और इसको बोलते हैं अमीबियसिस, अमी अमीबियसिस, अमीबा से होता है इसलिए इसको अमीबियसिस भी बोलते हैं। तो दोनों ही नाम अगर आए तो आप समझ जाइए एक ही डिजीज की बात होती है, चाहे वो डिसेंट्री की बात करें या जिसको हम लोग खाली डिसेंट्री नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अमीबिक, अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, अमीबिक डिसेंट्री बोलेंगे, या एक और चीज बोल सकते हैं क्या, अमीबियसिस। अब ये होता किससे है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, नाम याद रखिए, एंट अमीबा, अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, ये कौन है, परजीवी का नाम है,
ये उस परजीवी का नाम है जिसकी वजह से डिसेंट्री होता है, डिसेंट्री पेचिस को बोलते हैं। तो आप अक्सर बोलते हैं वो पेट में ऐठन वगैरह, ये किसकी वजह से होता है? अमीबा की वजह से। ये कैसे आएगा, वेक्टर क्या होगा, किसकी वजह से ये फैलता है? तो इन्फेक्टेड कंटामिनेशन। इन्फेक्टेड कंटामिनेशन का मतलब हो गया गंदा खाना, गंदा जो है कि पानी, जो दूषित जल और दूषित भोजन होते हैं उनसे फैलता है। और ये होता क्या है, अमीबा उसमें डेवलप, मतलब अमीबा किसी वजह से पहुंच जाएगा उस खाने को, अगर कोई खाता है तो उस इंसान को ये रोग हो जाता है, जिसको पेचिस भी बोल सकते हैं आप, या डिसेंट्री बोलेंगे या तो अमीबियसिस बोलेंगे। तो अगर कभी आता है कि इनमें से कौन सा रोग जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका करता है, तो आप टिक कर देंगे अमीबियसिस और अमीबिक डिसेंट्री। इसके जो आपके जो इसके ऑर्गन होते हैं जो आपके खराब होंगे, तो कोलोन रीजन, इंटेस्टाइन का जो नीचे का रीजन है, वो जो होगा वो क्या होगा कि उसमें पेनिट्रेशन करते करते अमीबा जो है कि बहुत वहाँ पे सिस्ट फॉर्म कर देगा, जिसकी वजह से पाचन या आप बोल सकते हैं डाइजेशन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अर्चना पांडे, ऑल्सो कॉल्ड अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियसिस, बिल्कुल बिल्कुल पहले वाले को बोलेंगे जिस सी सी फ्लाई की बात किया था मैंने। अर्चना पांडे आप सही हैं। दीक्षा सिंह, इसकी वजह से दीक्षा सिंह जी बिल्कुल अमीबियसिस की वजह से तो इसकी मेडिसिन होती है, और ये बच्चों में तो बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि कंटामिन आजकल आप बाहर का जो चाट खाते हैं, गुलगप्पा खाते हैं, वो हो ही सकता है, नॉर्मल है भाई। क्या है बादल पांडे जी, अल्जाइमर, अच्छा रोग, अल्जाइमर रोग में क्या लिखे हैं, मनुष्य का कौन सा, अच्छा अल्जाइमर, ये भी आपकी जो है कि याददाश्त से रिलेटेड है, और चाट गुलगप्पा, बिल्कुल रंजना मौर्य चाट गुलगप्पा, आप लोग इसमें तो फेमस है चाट गुलगप्पा में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक और डिजीज का नाम देख लेते हैं, डायरिया बहुत ही फेमस है, तो आप देख लीजिए डायरिया को। डायरिया अब देखिए, डायरिया से तो सब परिचित होंगे, डायरिया मतलब क्या, बॉडी में वाटर की कमी। सबसे पहला अगर डायरिया की बात आती है, कोई डायरिया का नाम लेता है, तो सबसे पहला वर्ड जो आता है वाटर की, डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में। तो अगर इसको फैलाने वाले की बात करें, तो फैलाने वाला क्या हो जाएगा, देखिए डायरिया दो तरीके से हो सकता है, एक तो जो है कि परजीवी की वजह से हो सकता है, प्रोटोजोआ की वजह से हो सकता है, और दूसरा बॉडी में पानी की कमी की वजह से हो सकता है। तो ये जो मैंने लिखा है जियार्डिया, ये जो होता है परजीवी जो है, परजीवी या बोल सकते हैं प्रोटोजोन, प्रोटोजोन, ये क्या होता है कि जो वाटर होता है, पानी होगा उसमें ये मिक्स हो जाता है, जिसको पीने की वजह से या किसी खाने को खाने की वजह से इंसान को डायरिया हो जाता है। और इसको फैलाने वाले कौन हैं, तो आपके बोल सकते हैं हाउस फ्लाई, या फिर आप जो कि हाउस फ्लाई को ही, जितने भी आप फ्लाई देखते हैं, मक्खियां जितनी होती हैं, चाहे वो हाउस फ्लाई हो या कोई फ्लाई हो, ये ज़्यादा फैलाते हैं इनको, तो आप लिख सकते हैं हाउस फ्लाई। अब इसमें होता क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कॉज लूज मोशन, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो लूज मोशन होगा, वॉमिटिंग होगी, यही दो लक्षण इसके मेन हैं। कौन कौन सा, एक तो आपका जो होता है वॉमिटिंग होता है, वॉमिटिंग होगा, और दूसरा जो हो जाएगा वो लूज मोशन होगा। तो ये जो दो डिजीज आपको देख रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, शरीर कमजोर हो जाता है, और लास्ट स्टेज जो इसका भी है, वो इंसान की डेथ हो सकती है, इसमें भी इंसान की डेथ हो सकती है। तो ये जो है क्या है, डायरिया की बात हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, काला आजार, बादल पांडे जी, काला, इसको हिंदी में बोलते हैं काला जार, ठीक है,
इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, काला आजार ही बोलेंगे। और ये होता क्या है, किससे है, तो लिस्मानिया से होता है। एक और लिस्मानिया से हो रहा था, आप कल का याद करिए, लिस्मानिया डोनोवानी, ठीक है। ये किससे होगा, लिस्मानिया डोनोवानी। ये जो परजीवी है इसकी वजह से काला आजार होता है। होता कैसे है, सैंड फ्लाई। फैलता कैसे है, ये सैंड फ्लाई याद रखिएगा, ये हाउस फ्लाई नहीं है या सीसी फ्लाई नहीं है, कौन है, सैंड फ्लाई। तो काला आजार की जब बात होती है तो लिस्मानिया डोनोवानी होता है, और डोनोवानी कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सैंड फ्लाई के माउथ में प्रेजेंट होता है। ये भी वैसे ही करेगा, ये भी आपकी चीज़ों को इन्फेक्टेड करेगा, और उससे जो लोग यूज़ करेंगे उन्हें डिजीज हो जाता है। तो और सबसे बड़ी बात कि इसमें होता क्या है कि आपका स्प्लीन और लीवर इनलार्ज होता जाता है, बढ़ता जाता है, जिससे कि आपको हाई फीवर आएगा, वोमिटिंग, नौसिया या वोमिटिंग आएगी, मतलब जी मिचलाना, और तबीयत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और अगर आपने सही टाइम पे डिजीज़ का इलाज नहीं करवाया तो इंसान की डेथ हो जाती है। बोन मैरो इन्फेक्शन, दीक्षा सिंह, बोन मैरो इन्फेक्शन बताया जाएगा, बोन मैरो इन्फेक्शन भी बताया जाएगा। यस मैम, डायरिया को, अरे हैजा कहते हैं, डायरिया को हैजा कहेंगे आप, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, हैजा, हैजा बोलेंगे आप। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, तो मलेरिया, ये तो भाई सब परिचित होंगे इससे। मलेरिया ये लाइफ में कभी ना कभी आपको इन्फेक्ट कर ही देता है। तो मलेरिया की अगर बात करते हैं तो हैजा हिंदी में नेम, हाँ विवेक जी हैजा ही कहते हैं, अतिसार किसको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अतिसार में भी यही लक्षण होते हैं, ये इसी को कह सकते हैं आप, उसमें भी आपकी वोमिटिंग और लूज मोशन ही होते हैं। फिर वीडियो को और भी शेयर करते रहिए और साथ में लाइक भी करते रहिए। और ये दो तीन डिसलाइक तो ज़रूर आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं मुझे ये लोग। अर्चना पांडे, इन्फेक्शियस डायरिया, हाँ बिल्कुल, इन्फेक्शियस डायरिया को अतिसार बोलते हैं आप। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो मलेरिया में, मलेरिया के भी कई जो है कि स्पीसीज होते हैं, लेकिन हम लोग को जनरली मलेरिया होता है भारत में, उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो आप जब भी किसी को मलेरिया हुआ होगा तो अगर आप अपना रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, आप लिख सकते हैं किससे होता है। हिंदी में भी इसको मलेरिया ही बोलते हैं, मलेरिया, ठीक है। ये होता किससे है, तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ऐसे इसके बहुत सारे जो है कि प्रजाति है, स्पीसीज है, अगर हम बात करते हैं इसकी तो बहुत सारे स्पीसीज हैं, लेकिन इंडियन वाला वाइवैक्स है, आपके जो रिपोर्ट में आता है वाइवैक्स है। और अगर हम इसकी बात करते हैं कुछ मलेरिया जो है, जैसे कि बहुत सारे मलेरिया हैं, मैलिग्नेट मलेरिया, जिसमें कि फैल्सीपेरम एक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तो ये जो है कुछ कुछ इसमें आते हैं जो कि और भी डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन मलेरिया की ही कई प्रजाति है, अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलती है। क्वेश्चन का आंसर जब, चलिए बहुत लंबा चौड़ा उनका मैसेज है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी ये फैलता किसकी वजह से है, तो फीमेल एनाफिलीज, ये तो बहुत ही फेमस है मक्खी, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, अब देखिए मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से फैलता है, मलेरिया होता किसकी वजह से है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की वजह से होता है। मलेरिया फैलाता कौन है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इसकी वजह से होता है। और अगर हम इसके जो है कि इफ़ेक्ट की बात करें, तो मलेरिया में क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो आपके लीवर को बहुत इफ़ेक्ट करता है, साथ में इसकी वजह से फीमेल में कुछ, जैसे कुछ इसकी प्रजातियां जो होती हैं प्लाज्मोडियम की, कुछ प्रजातियां जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी
इफेक्ट करती हैं, और इसमें हाई फीवर होता है, चिल होती है, ठंड लगती है, चिल और हैवी जो है कि फीवर हो जाता है, शाम होते ही आपको बुखार हो जाएगा और फिर दिन होते ही थोड़े आप ठीक हो जाते हैं, कमजोरी महसूस होती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो मलेरिया है इसमें आपको जो है कि डॉक्टर से कंसल्ट करने पे दवा दी जाती है, इसका भी कोर्स होता है आपका, 7 या 8 सुई लगते हैं, जिसकी वजह से मुझे इसलिए पता है कि मुझे भी मलेरिया हो चुका है, तो मुझे ये पता है कि मलेरिया में भाई 7 सुई तो लगनी ही लगनी है, फिर जाके थोड़ा आराम होता है। बिल्कुल चिल मतलब होता है भाई विवेक जी ठंड लगना, कपकपी होना, चिल मतलब कपकपी होना, तो कपकपी चढ़ के बुखार आती है मलेरिया में। वाइवेक्स या वाई वैक्स, VIVEXC है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, तो बहुत ज्यादा नहीं बचा है, एक दो और बचा है उसको देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए वायरस से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो कुछ डिजीज जो होते हैं, सॉरी वायरस कह रहे हैं, प्रोटोजोआ से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो कुछ प्रोटोजोन से, जैसे कि अगर हम किसकी बात कर देते हैं, अगर आप अमीबा की और बात करते हैं तो अमीबा की वजह से और भी पेट से रिलेटेड डिजीज होते हैं, लाइक पेट में दर्द वगैरह, तो नॉर्मल पेट दर्द भी हो सकता है अमीबा की वजह से। ज़रूरी नहीं है कि एंट अमीबा आपके इंटेस्टाइन तक पहुँचे तभी डिजीज कॉज करे, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं पेट दर्द वगैरह, हम उसी में दवा खा के ख़त्म कर देते चीज़ों को। तो ये हो गया प्रोटोजोआ से रिलेटेड डिजीज़। इसके बाद हम जो जानेंगे वो हेलमेंथिस से रिलेटेड होंगे। तो एक क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन आप आंसर बताइए। तो तैयार हो जाइए फिर। भाई विवेक मिश्रा जी जरूरी नहीं है मलेरिया जिससे हो उससे डेंगू भी हो, वेट करिए वो भी बताया जाएगा, थोड़ा वेट करिए, और जो बाकी रहेगा डिजीज वो भी लास्ट में बता ही दिया जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। और भी प्रोटोजोन्स होते हैं, जैसे कि बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी की अगर बात करते हैं तो बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी जो होती है फैलेरिया, आपको एक डिजीज होती है फैलेरिया, तो फैलेरिया के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये एक जो है कि आप इसको भी ले सकते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं और ये एक तरीके का फंजाई भी ले सकते हैं आप, प्रोटोजोन्स में भी ले सकते हैं इसको। होता किसकी वजह से फैलेरिया, तो अगर बात करते हैं एडीज मॉस्किटो तो वहाँ से आपका फैलेरिया जो हो जाएगा कि एनाफिलिस से आपका क्या हो रहा है मलेरिया हो रहा है, लेकिन फीमेल ही करता है, चाहे वो मलेरिया हो चाहे फैलेरिया, ये फीमेल ही मॉस्किटो करेगा। भूख नहीं लगता लीवर में हाँ मैक्सिमम डिजीज में यही होता है बादल पांडे जी। तो चलिए फिर क्वेश्चन दे देते हैं। सी सी फ्लाई, सॉरी सी सी फ्लाई ट्रांसमिटेड विच डिजीज, सी सी फ्लाई कौन से रोग को ट्रांसमिटेड करता है, कौन से रोग को फैलाता है, फर्स्ट अफ्रीकन स्लीपिंग, सेकेंड अमीबिक डिसेंट्री, थर्ड डायरिया, और फोर्थ काला अजार। जल्दी जल्दी ऑप्शन, दीक्षा सिंह ऑप्शन ए, बिल्कुल दीक्षा सही है, हर्ष कुमार ऑप्शन ए सही है, हर्ष विवेक मिश्रा जी ए, ए महिमा यादव ए, महिमा मौर्य सॉरी महिमा मौर्य, रंजना मौर्य ए, सभी ए, ऋषिकांत ओझा विकास यादव ए, ऋषिकांत ओझा ए, धर्मेंद्र सिंह ए, अफ्रीकन स्लीपिंग गुड,
अर्चना पांडे, मणिशंकर मिश्रा, इसमें क्या इफेक्ट होता है? आप लेट सेशन ज्वाइन किए हैं क्या मणिशंकर जी? क्योंकि इसमें तो मैंने बताया कि जो लक्षण होते हैं कि ब्लड और नर्वस सिस्टम, जो नर्वस टिश्यू होते हैं आपके, काम करने बंद हो जाते हैं, यानी कि इंसान बहुत ज़्यादा नींद आती है इंसान को, वो बहुत ज़्यादा सोने की कंडीशन उसकी हो जाती है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि सोते सोते इंसान सो जाता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा इसमें ब्लड और नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। धर्मेंद्र सिंह मैम लेट हो गए आज। कोई नहीं धर्मेंद्र जी, जब जागो तब सवेरा, जहाँ से ज्वाइन किया वहीं से नया है, और बाकी आप बाद में बैक करके देख लीजिएगा, क्लास ख़त्म होने के बाद बैक चले जाइएगा, देख लीजिएगा। मणिशंकर मिश्रा, कोई ट्रिक है मैम प्रोटोजोन्स का? मैं कोशिश करूँगी कि आप तक कुछ ट्रिक लेके आऊँ, लेकिन साइंस है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्विज़ खेलने के बाद टफ लगते होंगे क्वेश्चन। आप एक बार क्विज़ खेलने के बाद तो आपको लगते होंगे कि हाँ सब ईजी ही है। बादल पांडे, हाँ है, बिल्कुल है मैम, 50 लाइक हो गए। अच्छा, थैंक यू धर्मेंद्र जी, 50 लाइक हो गए, बिल्कुल। आप लोग शेयर भी करते रहिए, और लाइक तो आप लोग की दुआ है बस। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो ये जो है क्या है आपके ऑप्शन में, तो मैक्सिमम लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन क्लिक किया है, यानी कि सही है। आप सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं सेशन को, इस वजह से आप सभी सही आंसर दे पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको रोग जो है वो क्लियर हो रहा है। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए, आप सबसे पहले आके सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले समय के सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। एकदम शुभ कर दिया आप लोगों ने 51। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स कॉज विच डिजीज? जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है वो कौन सा रोग उत्पन्न करता है, क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है कि एक और ले लेते हैं क्या, ले लेते हैं स्लीपिंग। सिकनेस या फोर्थ ले लेते हैं हम लोग डिसेंट्री। ये चार ऑप्शन है। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो परजीवी है वो कौन सा रोग उत्पन्न करता है, कौन सा रोग उत्पन्न करता है। तो पहला है मलेरिया, दूसरा है काला आजार, तीसरा है स्लीपिंग सिकनेस, और चौथा है डिसेंट्री। ऋषिकांत ओझा ए, अरे वाह आप सभी ने ए ए। कमलेश शुक्रा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, बिल्कुल। महिमा मौर्य मलेरिया, मलेरिया धर्मेंद्र जी मलेरिया, विकास यादव ए, मणिशंकर ए, धर्मेंद्र ए, बिल्कुल सब, आप सब लोग एकदम सही जा रहे हैं। ऋषिकांत ओझा जी आप में बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आप खुद देख रहे हैं क्लास, आप ज्वाइन करने के बाद काफ़ी कुछ आपको साइंस में बड़ा दिक्कत हो रहा था, तो साइंस में बड़े अच्छे हो गए आप, आजकल सही आंसर दे रहे हैं। और एमली डिसूजा बिल्कुल ए, मणिशंकर मिश्रा जी ए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ए ही आंसर है। तो मलेरिया मैंने बताया भी कि मैं भी मलेरिया, मुझे भी हो चुका है मलेरिया, तो मुझे पता है कि भाई प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और होता किसकी वजह से है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से होता है, वो क्या करता है फैलाता है, और इसके दो होस्ट होते हैं, ये भी जान जाइए मलेरिया के बारे में कि इसके दो होस्ट बॉडी होता है। पहला होता है मच्छर, जिसमें कि ये परजीवी उसके माउथ में कुछ दिन व्यतीत करता है, और दूसरा जो होस्ट बॉडी होता है वो होते हैं हम लोग, यानी हम लोग के ब्लड में वो परजीवी को
छोड़ देता है और कुछ देर बाद अगर वही मच्छर हमको काटता है, मुझे मलेरिया हुआ है, मुझे काटता है, तो वो फिर से अपने माउथ में लेके जाएगा और किसी और अन्य पर्सन को अगर काटता है, किसी और व्यक्ति को काटता है, तो फिर उसे भी मलेरिया हो जाता है। तो ये मलेरिया का फैलने का एक कारण हो जाता है। अब बात करते हैं हेलमेंथिस डिजीज़ की, कृमि जिसको बोलते हैं। अल्बेंडाजोल बच्चों को बड़ा खिलाया जाता है स्कूल में। अक्सर जो बच्चे होंगे यहाँ पे जुड़े वो जानते होंगे कि अल्बेंडाजोल एक दवा आती है जिसको बच्चों को खिलाया जाता है, चबा चबा के खाया जाता है। ये किस लिए होते हैं? पेट में कीड़ी वगैरह के लिए। मैम मैं मलेरिया में पूछा। क्या मलेरिया में आपने पूछा? मनी शंकर जी क्या पूछ रहे हैं आप, फिर से पूछिए। चलिए फिर हेलमेंथिस डिजीज को स्टार्ट करते हैं। हेलमेंथिस डिजीज जिसको बोलते हैं कृमि रोग, जो छोटे छोटे कृमि होते हैं उसकी वजह से जो रोग हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हेलमेंथिस डिजीज। अब इसमें कौन कौन से आते हैं तो आप एक फिर से चार्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप चार्ट कैसे बनाएंगे, एक चार्ट आप ऐसे चार लाइन क्लिक करिए और उसमें क्या करना है कि पहला रोग का नाम लिखिए, कौन सा डिजीज़ है, फिर लिखिए कॉजिंग एजेंट किसकी वजह से हो रहा है, वाहक लिखिए किसकी वजह से फैल रहा है, वेक्टर, वाहक, ट्रांसमीटर, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको, और लास्ट में लिखिए कौन सा पार्ट इफेक्ट हो रहा है, कौन सी बॉडी पार्ट में इससे दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और ये लोग कम क्यों होते जा रहे हैं भाई, आप लोगों को तो बढ़ना चाहिए, जितना आगे बढ़ना है उतना आप लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। शेयर करिए, फिर से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग शेयर करते रहिए, कम नहीं होने चाहिए लोग, जो लोग जुड़े हैं। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। एस्केरिस, फर्स्ट डिजीज का नाम जो है एस्केरिस। एस्केरिस, तो एस्केरिस की अगर हम बात करते हैं, या इसको एक चीज और बोल सकते हैं, एस्केरियसिस, एस्केरियसिस, ये एस्केरिस से डिजीज होता है। एस्केरियसिस एक रोग का नाम है, ये किससे होता है? तो एस्केरिस लुम्ब्रिडी क्वाइड, इसको हिंदी में भी क्या लिखते हैं हम लोग, यही लिखेंगे हिंदी में, क्या लिखेंगे? एस्केरिस लुम्ब्री क्वाइड, लुम्ब्री क्वाइड, ठीक है, एस्केरिस लुम्ब्री क्वाइड। इसकी वजह से रोग फैलता है, इन्फेक्टेड बाय कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ, चाहे वो इकट्ठा किया हुआ खाना हो, चाहे वो इकट्ठा किया हुआ पानी हो, जो दूषित पानी और दूषित जल होता है उसी से ये रोग फैलता है। तो आप लिख सकते हैं इन्फेक्शन बाय कंटामिनेशन, इन्फेक्शन बाय कंटामिनेशन। ठीक है, दूषित जल व दूषित भोजन से ये रोग होगा। तो फिर से देख लीजिए, एस्केरियसिस ये रोग का नाम है और ये होता किससे है? तो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड से होता है। ये किससे होता है? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड, जो कि एक कृमि है। क्या है? कृमि है। और जो है कि ये क्या करेगा, इन्फेक्शन कैसे होगा? दूषित जल और दूषित भोजन से होगा। जो है कि आगे अगर हम देखें तो इससे क्या परेशानी होती है, तो आपका इंटेस्टाइन रीजन, जो आपका इंटेस्टाइन रीजन है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, एब्डोमेन पेन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। और आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं कि पैनक्रियाटिक डक्ट या ड्यूडेनम कॉज होता है। एक सेकेंड, बस मुझे एक मिनट दीजिएगा, तो हमें नेट कनेक्शन चेक कर लूँ।
देखिए जरा चेक करिए नेट कनेक्शन। हाँ लीजिए, बिल्कुल क्या मैसेज आ रहा है? आप सभी को क्लियर है ना वीडियो और ऑडियो? जी, चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है इससे कि अगर हम देखें तो इन्फेक्शन जो होता है वो कहाँ पे होगा, आपके इंटेस्टाइन में होगा। फिर इसके बाद आपके लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा, निमोनिया स्टार्ट हो जाएगा, साथ में एंट अमीबा की जो एंट अमीबा है इसकी वजह से लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, इनलार्जमेंट आ जाता है, मतलब आपका लीवर बढ़ जाएगा, एंटेस्टाइन यानी आंत छोटी आंत में आपकी प्रॉब्लम आएगी, तो इसकी वजह से लूज मोशन स्टार्ट होंगे होंगे, वॉमिटिंग आएगी। तो ये सारे डिजीज से होने वाले सिम्टम हैं। और मेन जो इफेक्ट होता है वो लीवर, यानी किस अंग को प्रभावित करता है, तो आप टिक करेंगे लीवर और साथ में इंटेस्टाइन, दो चीज़ों को ये प्रभावित करता है। तो ये हो गया आपका किसकी बात, एस्केरिस की बात। ये बड़े कम लोग दिख रहे हैं भाई, सुप्रिया सिंह, आप लोग शेयर करिए, जल्दी जल्दी शेयर करिए ताकि और लोग भी जुड़ सकें। ये क्या आप लोग शेयर नहीं कर रहे ढंग से? हाँ देखिए अभी आपने शेयर करना स्टार्ट किया, गुड। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, तो एंट अमीबा, या हम लोग और बात कर लेते हैं एलिफेंटियसिस या फाइलेरिया की। किसकी बात करते हैं? फाइलेरिया की। फाइलेरिया, या इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो एलिफेंटियसिस बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथी पांव, हाथी पांव। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें पैर जो होता है वो फूल जाता है और पैर से ही ये स्टार्ट होता है रोग। तो ये होता किसकी वजह से, मैंने पहले भी बताया था किसकी वजह से होता है, बाउचेरिया। क्या होता है? बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, बैनक्रॉफ्टी, बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी किसकी वजह से होता है? तो बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी ये क्या है, एक जो है कि परजीवी है, कृमि है, जिसकी वजह से होता है। और ये होता क्या है, फीमेल क्यूलेक्स मच्छर। क्या होगा? फीमेल क्यूलेक्स। एडीज जो होता है आपका, आप डेंगू पूछ रहे हैं, तो डेंगू जो है एडीज फैलाता है, तो आप कहीं नोट ही कर सकते हैं अगर मन करे तो। अब देखिए इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले तो अगर फाइलेरिया की बात करते हैं तो इसमें लिम्फ वेसल्स जो होते हैं, जो ब्लड में आपके लिम्फ वेसल्स मिल रहे हैं, वो जो है कि जो है इन्फेक्टेड होंगे, और साथ में इसमें स्वेलिंग आएगी, इनलार्जमेंट आएगी। किस में? तो आपके पैर में, और पैर से ये होते हुए जेनाइटल एरिया में पहुंचता है, जिसकी वजह से इंसान में धीरे धीरे स्वेलिंग पूरे मतलब पैर से स्टार्टिंग हुआ, जेनाइटल एरिया से लेते हुए ये पूरे ऑर्गन को ख़राब करने लगता है, और लास्ट स्टेज ये होती है कि इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये जो है कि एक आपका कौन सा डिजीज हो गया, एलिफेंटियसिस, जिसको हाथी पाँव कहते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मलेरिया करता है क्या, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और फाइलेरिया किससे होता है, तो बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, जो कि फीमेल क्यूलेक्स मच्छर से यानी मॉस्क्यूटो से, क्यूटो से होता है। तो ये हो गया किसकी बात, फाइलेरिया की। आप कहीं नोट करते रहिए ताकि आपको बाद में भी काम आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, एंट्रोबियसिस। ये भी एंट्रोबियसिस जो है वर्मी फॉर्म है, वर्म जो वर्म्स होते हैं उनसे होते हैं। तो ये आपके उतने तो पूछे नहीं जाते हैं। अब एक और आता है जो कि बहुत पूछा जाता है, वो होता है टीनियसिस। नेक्स्ट देख लेते हैं, टीनियसिस
टीनियसिस। अब टीनिया सोलियम, टीनियसिस में किसकी बात कर देते हैं हम लोग, तो टीनिया सोलियम की बात करते हैं, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। ये क्या है, एक कृमि है ये भी, यानी ये भी एक जो है कि हेलमिंथीज है, जिसकी वजह से ये रोग होता है। और ये सबसे पहले किसको इफेक्ट करता है, ये फैलता किससे है, तो पिग से फैलता है, किससे, पिग से फैलता है। पिग एक जानवर है भाई, आप सब जानते हैं, पिग से, पिग में, पिग के इंटेस्टाइन में ये होता है, और जिसको खाते हैं लोग तो उनको भी हो जाता है। टीनियसिस होता है जिसमें इफेक्ट क्या होता है कि इंटेस्टाइन रीजन जो होता है इसमें कि इंटेस्टाइन कॉज प्रोटीन डिफिशियंसी एंड जनरल वीकनेस, इसमें क्या हो जाता है, इसकी वजह से प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है और इंसान कमज़ोर हो जाता है। तो ये थे आपके हेलमिंथीज से रिलेटेड डिजीज़ जो कि इतने हैं। अब आती है बारी क्वेश्चन की, और भी हैं आपके हेलमिंथीज से रिलेटेड और भी डिजीज़ हैं, लेकिन ये जो तीन थे वो आपके हर जगह पूछे जाते हैं, तो इनको आप मत भूलिएगा। बाकी तो बहुत सारे डिजीज़ हैं, डिजीज़ का कोई अंत नहीं है। किस रोग से प्योर, अच्छा, पूरे बॉडी में सूजन आ जाती है। अरे भाई ये जो है कि आपके स्कैरिस कहाँ पाया जाता है, स्कैरिस जो है कि आपकी मतलब इंटेस्टाइन में भी मिलता है और कुछ वाटर में भी, इसके जो स्कैरिस के कई रूप होते हैं आप बोल सकते हैं, तो आपके जो है बहुत ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही बोल सकते हैं, बट दिखता है। तो स्कैरिस आपको मिल जाएगा, बाहर भी मिल जाएगा बादल पांडे जी, और आपने तो बचपन में लैब में भी देखा होगा स्कैरिस, मेल स्कैरिस एंड फीमेल स्कैरिस। एएनजी क्या, एएनजी का मतलब नहीं समझा मैं, क्या आप बोल रहे हैं, आगे, अच्छा चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलेरिया, फाइलेरिया कॉज बाय, ठीक है, फाइलेरिया किसके द्वारा होता है। पहला है आपका फाइलेरिया की बात कर देते हैं, तो बाउचेरिया, बाउचेरिया पहला हो जाएगा, बैन बाउचेरिया, बैन क्रॉफ्टी, प्लाज्मोडियम, वाइवैक्स एंड अमीबा, क्या हो जाएगा, हाँ एंट अमीबा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दो तीन, एंड फोर्थ हो जाएगा आपका टीनिया सोलियम। क्या बादल पांडे अंग में, अच्छा किस अंग में पाया जाता है भाई, अगर आपको नुकसान पहुंचाएगा तो ये तो जो है कि इसके जो लार्वल स्टेज होते हैं वही पहुंच पाते हैं, तो ये उस समय डिजीज़ करेगा तो आपके इंटेस्टाइन, ज़्यादातर जो हेलमेंथीज होते हैं आपके इंटेस्टाइन में ही रहते हैं क्योंकि खाने ज़्यादातर वही जाते हैं। सेकंड, अच्छा हर्ष कुमार सेकंड, हर्ष कुमार सेकंड, युगलीना को कौन प्रोटोजोआ कहते हैं, बादल पांडे युगलीना को कौन प्रोटोजोआ कहते हैं, भाई युगलीना प्रोटोजोआ ही है, और युगलीना जो है कि इसके पास ये हम लोग कहते हैं कि ये एनिमल और प्लांट के बीच का कनेक्टिव लिंक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों की तरह काम करता है। अब इसके पास क्लोरोफिल है जिसकी वजह से ये सुबह तो अपना भोजन बना लेता है पर रात में जो है प्रकाश नहीं मिल पाता जिसकी वजह से ये क्लोरोफिल यूज़ नहीं कर पाता, और बाकी जानवरों की तरह ये इंसेक्ट जो आते हैं उनको खा के अपना पेट भर लेता है, तो इसको दोनों ही कैटेगरी में आप रख सकते हैं, ग्रीन प्रोटोजोआ, हाँ हाँ बिल्कुल ग्रीन प्रोटोजोआ आप कह सकते हैं, और अपना फ्लैजिला भी होता है इसके पास। एमिली डिसूजा थर्ड, विवेक मिश्रा फर्स्ट, विकास यादव फर्स्ट,
और भी लोग बस इतने ही जुड़े हैं, देख तो रहे मुझे काफ़ी लोग, बट आंसर तो कुछ ही आ रहा है। आप सभी आंसर दिया कीजिए, सही गलत का तो फैसला बाद में होता है ना, पहले आंसर तो आप दीजिए। ऑप्शन डी दीक्षा, ऑप्शन डी। अच्छा फाइनली दिया, अभी मैंने चीख चीख के बताया आपको, फाइलेरिया और मलेरिया में अंतर बताया था अभी मैंने, बोला कि मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आपका जो आगे था, एंट अमीबा ये टी है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबियसिस रोग करता था। टीनिया सोलियम जो है आपका टीनियसिस रोग करता है, तो बच्चा कौन, बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है, ऋषिकांत ओझा ए, बहुत सही ऋषिकांत। आलोक रंजन शर्मा फर्स्ट, हाँ आप सभी का सही है। दीक्षा डी नहीं होगा, बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी होगा, क्योंकि डी वाला टीनिया सोलियम टीनियसिस एक डिजीज होता है उसको कॉज करता है। तो आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं और सारा ऑप्शन सही है, मतलब आप ध्यान से देख भी रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। आलोक रंजन शर्मा जी नमस्ते, नमस्ते जी बिल्कुल नमस्ते आपको, सॉरी मैम आपका वीडियो शेयर करने लगे थे। दीक्षा सिंह कोई नहीं, आप वीडियो को शेयर करिए वो ज़रूरी है, मैं जितने लोग जुड़ेंगे मुझे और अच्छा लगेगा पढ़ाने में और बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो जितने नए हैं वो लोग सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, और ये कहने की बात होती ही नहीं है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को सबसे पहले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जितने भी लाइव क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर आ जाते हैं, कल किसी ने पूछा था कि हेरिटेबल डिजीज़ क्या होता है मैम, या किसी ने पूछा था कि जेनेटिक्स, तो मैंने जब डिजीज़ बताया था तो मैंने बताया था कि भाई एक जो होता है डिफिशियंसी से होता है, तो डिफिशियंसी वाला तो हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं पहले क्लास में। फिर मैंने बताया था दूसरा कि इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, इन्फेक्शियस मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप पढ़ते हैं वो सारे उसमें होते हैं। फिर जो बारी आती है वो आती है आपके जेनेटिकल या हेरिडिट्री, क्या होता है जेनेटिकल या हेरिडिट्री, हेरिडिट्री डिजीज या जेनेटिकल डिजीज, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग। तो पहले इसका मतलब हम लोग समझ जाते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं बादल जी, प्रोटीन की फैक्ट्री। बहुत अच्छा है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहेंगे, और राइबोसोम की फैक्ट्री हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोलस को। वेल एक्सप्लेन मैम, थैंक यू नम्रता तिवारी। हाँ देखिए आलोक रंजन जी ने आंसर दिया है राइबोसोम, बिल्कुल राइबोसोम को ही बोलेंगे। तो ठीक है फिर हम लोग समझ लेते हैं जेनेटिकल डिजीज क्या होता है या हेरिडिटरी डिजीज किसको कहते हैं। तो देखिए आनुवांशिक रोग वो रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच पाए, इसे भी कहते हैं आनुवांशिकी। और एक चीज और कह सकते हैं हम लोग, जैसे क्रोमोजोमल डिजीज, क्रोमोजोमल डिजीज का मतलब होता है जो क्रोमोजोम से रिलेटेड हो, जो आपके गुणसूत्र से रिलेटेड होते हैं, क्रोमोजोम का मतलब होता है गुणसूत्र, तो दोनों ही हेरिडिटरी प्रोडक्ट हैं, दोनों ही आनुवांशिक पदार्थ एक ही चीज को कहते हैं। तो ये क्या है आपका, या तो वो क्रोमोजोम से रिलेटेड हो या तो आपके हेरिडिटी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर हो, ऐसे रोग को हम बोलते हैं आनुवांशिक रोग। अब इसमें क्या आते हैं, आपके बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे भी सिंड्रोम आते हैं, ज़्यादातर सिंड्रोम आते हैं, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है कि हिचकी में रानी मुखर्जी को कौन सा डिजीज था, मतलब कौन सा सिंड्रोम था। जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर दीजिए कि हिचकी मूवी में रानी मुखर्जी को एक सिंड्रोम था, वो कौन सा सिंड्रोम था, नाम बताइए। आप लोगों ने सभी ने बहुत पिक्चर देखा होगा तो थोड़ी मस्ती मजाक हो जाती है, आप जल्दी से बताइए कि कौन सा सिंड्रोम था। विवेक एचआईवी, बिल्कुल नहीं, एचआईवी बिल्कुल नहीं था विवेक मिश्रा जी, एचआईवी बिल्कुल नहीं था रानी मुखर्जी को। कोशिश करिए आप लोग अपने दिमाग पे जोर दीजिए, मैम हम देखे ही नहीं हैं,
अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, काफी अच्छी मूवी है इसकी। हकलाना भी एक क्या है विवेक मिश्रा जी, हकलाना ये कोई डिजीज नहीं होती है और ये कोई सिंड्रोम होता है। ओके मैम, गुड नाइट। हर्ष कुमार, वाई गुड गुड नाइट, अभी तो स्टार्टिंग हुई है और आप अभी गुड नाइट लिख के जा रहे हैं। हर्ष अभी क्लास में बने रहिए और साथ में वीडियो को शेयर भी करिए, हम नहीं देखे। चलिए कोई नहीं, टर्निप डिजीज था जो टर्निप सिंड्रोम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं टर्निप सिंड्रोम, तो ऐसे ऐसे करती रहती है। वो क्या मतलब, उससे नर्वसनेस होती है, उस वो जो एक सिंड्रोम है उसकी वजह से इंसान में नर्वसनेस आती है, नर्वस होता है हमेशा किसी भी चीज़ को बोलने में या करने में, जिसकी वजह से हकलाहट आती है। तो जो है कि ये एड्स या फिर हकलाना कोई डिजीज नहीं है इसमें। अभी चलिए एक और क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे डिजीज जो है दिखते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कुछ सिंड्रोम के बारे में और सिंड्रोम होता कैसे है पहले उसको समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र जिसको बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं गुणसूत्र। तो जब गुणसूत्र की बात करते हैं तो हम सभी यानी इंसानों के पास 23 पेयर होता है, यानी कि जोड़ा होता है किसका, गुणसूत्र का। और इसमें अगर हम एक एक ले लें तो 46 हो जाएगा, अगर पेयर को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें कि अगर हम पेयर में लेंगे तो 23 जोड़े गुणसूत्र आप या मेरे आप में सब में इंसानों में उपस्थित होते हैं। तो ये जो 46 दिख रहा है, अगर इनमें से ये लाइन से है एक्स 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 ऐसे कर करके है, और लास्ट में अगर एक्स एक्स है, मतलब 23 पेयर अगर हम लेंगे, यानी कि 45 और 46, ये जो क्रोमोसोम है 45 और 46, अगर एक्स वाई हो गया तो वो हो जाएगा मेल यानी लड़का होगा, और अगर एक्स एक्स हो जाएगा तो वो हो जाएगा फीमेल। ये तो हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन कि लास्ट में जो अगर एक्स वाई है तो मेल हो जाएगा और एक्स एक्स है तो फीमेल। लेकिन क्या होगा जब ये एक्स एक्स एक और एक्स जुड़ जाए, या क्या होगा तब जब एक्स घट जाए, तो कंडीशन बनती है जिसको हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब इन सब में से नंबरिंग अगर घट या बढ़ जाती है तो उसको हम लोग एक सिंड्रोम कहते हैं, जो कि एक एज अ रोग हो जाता है। हम पिक्चर नहीं देखे हैं मैम, ऋषिकांत जी कोई नहीं, रंजना मौर्या रुक रुक के बोलती है ये पता है बस। तो पिक्चर भी देखिए ना, तो आप थोड़ा उसको क्या बोलते हैं कि कुछ ज्ञान वाली बातें खींच लिया कीजिए उससे भी। मूवी देखना गलत नहीं है, मूवी को अच्छी मूवी देखिए, जैसे कि सबने देखा होगा एक्समैन सीरीज। एक्समैन सीरीज का तो सब पार्ट देख चुके होंगे आप लोग, तो वो किस बेस पे बनी है मूवी, किसी को आंसर पता है तो फटाफट बता दीजिए। मैम ये एक्स से कोई दुश्मनी है क्या, हर जगह एक्स यूज होता है। भाई हमने बोला एक्समैन सीरीज मैंने भी देखा है, तो वो किस बेस पे है वो मूवी, उसके तो कई पार्ट हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, तो वो किस बेसिस पे है, चलिए कोई नहीं जानते रहिए। वो पिक्चर जो है, वो मूवी जो है म्यूटेशन पे बना है। म्यूटेशन को हम लोग अपने अगर एक साइंस की लैंग्वेज में बोले तो उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है, अचानक से हुए परिवर्तन को ही हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आपके घर में सभी की आंखें काली हैं और अचानक से किसी की आंखें नीली हो गई, तो क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया। आप सभी ठीक ठाक चल रहे हैं और पता चला आपके घर में किसी की पूंछ निकल आई, तो ये क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया। तो अचानक से हुए परिवर्तन को हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं, या सडनली चेंज इन एनीथिंग कॉज म्यूटेशन। तो ये हो गया एक लाइन का आंसर। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंड्रोम। तो फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या लेते हैं, डाउन डाउन सिंड्रोम। आज सेलेक्टेड बताएंगे, सारा सिंड्रोम नहीं बताएंगे, जो अक्सर पूछा जाता है उन्हीं को बताया जाएगा डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें कि 21वां जोड़ा, जो 21 जोड़ा मैंने बताया ना 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र, तो 21वें जोड़े पे क्या होगा, एक्स और एक्स होगा, ये नेचुरल है एक्स और एक्स होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, एक और एक्स आके जुड़ जाता है, समझे आप लोग। यानी कि अगर हम ऐसे लेते हैं, ये जो दिख रहा है आपको,
देखिए ये मैंने लिखा है पूरे 26 अगर हम लेते जाएं तो यहाँ पे क्या है कि मैंने ऐसे ही लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आप नंबरिंग करते जाएंगे। कहाँ तक करेंगे? 46 तक करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि 21 पेयर पर जो 21वां नंबर का जो 21वां जोड़ा है गुणसूत्र का उसमें एक्स एक्स प्लस 1 हो जाता है, मतलब एक और एक्स आके जुड़ जाता है, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं क्या, ट्राइसोमी कंडीशन। क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कंडीशन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ट्राइसोमी कंडीशन किस पे? 21वें यानी 21 पेयर पर। ठीक है, 21st पेयर पे अगर हम देखते हैं तो एक्स एक्स और एक और एक्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे सिम्टम दिखने लगते हैं। वो सिम्टम क्या होते हैं? मानव जाति का अध्ययन को। अच्छा भाई, ये सारे क्वेश्चन जनरल नॉलेज वाले हैं, ये मैं बताऊंगी आपको एक दिन। बादल पांडे जी, आप एक लाइव और करिएगा, उसमें मैं जितने भी खोज किसने किया, क्या कहते हैं, कौन सा ब्रांच है, ये वाला खत्म करेंगे सेशन। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, गुड टॉपिक, टॉपिक बहुत अच्छा है बादल पांडे जी, तो इस पे मैं आपका क्लास जरूर लूंगी। गौरव अच्छा गौरव, आप बीच बीच में आ रहे हैं या फिर आप लगातार हैं? 21 ट्राइसोमी कंडीशन, हाँ बिल्कुल सही है, ट्राइसोमी कंडीशन है। एक्स एक्स और एक और एक्स बढ़ जाता है। अब एक्स बढ़ा है यानी फीमेल की कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, लेकिन इसमें होता क्या है, इसके जो सिम्टम होते हैं वो क्या होगा, फ्लैट फेस होगा, चांद सा रोशन चेहरा, आप बोलते हैं ना चांद जैसा चेहरा, तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लैट फेस होगा। जो है कि दूसरी बात अगर इसमें देखेंगे तो मेंटली इंसान, मेंटल रिटार्डेड और शॉर्ट नेक, और अधिकतम अगर हम बात करें तो लाइफ स्पान 1 ईयर की होती है। अब इसको समझ लीजिए, मैं हिंदी में भी समझा रही हूँ, जो लोग हिंदी वाले हैं वो नोट करते रहेंगे। ये जो होता है डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, 21वें जोड़े पर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, यानी टोटल हमारे पास क्या था, 46 था, प्लस 1 और हो गया, यानी हमारे पास कितने हो गए, 47। तो उस इंसान के पास कितने क्रोमोसोम होंगे? सब नॉर्मल के पास 46 हैं तो उसके पास 47 होंगे, एक अधिक होगा। अब उससे नुकसान क्या होते हैं, तो इंसान का चेहरा जो होगा वो फ्लैट होगा, मतलब जो चपटा चेहरा बोलते हैं आप, वैसा होगा। मैंने इसीलिए बोला चांद सा रोशन चेहरा, क्योंकि चांद क्या है, आप देखते हैं चांद एकदम गोल सा और चपटा सा है। गलत है मैम, मानव शास्त्र क्या गलत है गौरव, आप देखते हैं तो फ्लैट फेस ही होता है। और दूसरी बात अगर हम करते हैं तो, और ट्राइसोमी कंडीशन ही है, तो अगर हम बात करते हैं मेंटल रिटार्डेड होगा, दिमाग से कमजोर होगा, शॉर्ट नेक होगा, गर्दन छोटा होगा, और इसके अलावा इसकी लाइफ स्पान यानी जीवन काल, पूरा जीवन काल इसका 16 साल होता है। 16 साल होते होते बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये जो है कि आपका एक किसका, डाउन सिंड्रोम की बात हो गई। गौरव तुम्हारी बात भाई समझ में नहीं आई, फ्लैट बैक ऑफ फेस, फ्लैट बैक ऑफ फेस, तो फ्लैट बैक ऑफ फेस का मतलब आलोक रंजन शर्मा, मुझे समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही है, फ्लैट फेस ही होता है, चपटा चेहरा ही होगा। अगर आपने कुछ और पढ़ रखा है तो बताइए मुझे भी। 21 क्रोमोसोम, हाँ तो सही तो है गौरव, मैंने यही बताया है कि 21st क्रोमोसोम पे एक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप, और एक्स और नहीं होता है। ये कौन बोला कि और नहीं होता है? ट्राइसोमी कंडीशन कैसे बनती है आप मुझे बताओ, ट्राइसोमी कंडीशन कैसे बनती है गौरव? ट्राइसोमी कंडीशन का मतलब ही होता है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हम लोग हमेशा ये क्या पढ़ते हैं कि आप जो है कि दो क्रोमोसोम हमेशा ही साथ रहते हैं, पेयर में रहते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ते हैं। तो एक्स एक्स अगर है तो उसको पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं, और अगर एक बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को ट्राइसोमी बोलते हैं, और अगर एक घट जाएगा तो उसको बोलेंगे मोनोसोमिक। मोनोसोमिक कंडीशन में एक कम हो जाता है क्रोमोसोम, और ट्राइसोमी में एक बढ़ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग।
अब इधर से तो आपके क्वेश्चन बाकी, तो इधर कोई क्वेश्चन पूछने से रहा? नेक्स्ट एक और देख लेते हैं हम लोग, किसको, ऑटोसोमल रिसेसिव, या देख लीजिए एक और टर्नर सिंड्रोम, ये भी कभी कभी पूछ देता है आपसे, जो कि टर्नर्स सिंड्रोम। सिंड्रोम तो देखिए टर्नर सिंड्रोम्स में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, 2a+x0, यानी अगर हम टोटल बात करें तो 44+x0 एक यहाँ पे खत्म हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कम हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग अगर देखें तो क्या बोल सकते हैं, टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन को मोनोसोमिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग, मोनो, इसमें घट जाता है। हाँ बिल्कुल मणिशंकर मिश्रा सही है, मोनोसोमिक कंडीशन, मोनोसोमिक, मोनोसोमिक मतलब एक कम हो जाना। तो यहाँ पे कम हो जाता है, अब जिसकी वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं, और ये देखिए लगभग ना 5,000 लोगों में से एक लोग को होता है, 5,000 में से एक लोग को हो गया, ऐसा कंडीशन होता है इस कंडीशन में। और इसमें होता क्या है कि अगर हम देखें तो चेस्ट फ्लैट होंगे, चेस्ट फ्लैट होगा। दूसरी अगर बात कर देते हैं तो इसमें जो होगा कि फ्लैट के साथ साथ एक चीज़ और होगा, ब्रॉड भी होगा, ब्रॉड भी लिख सकते हैं, एंड ब्रॉड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होंगे, गोनैड्स अब्सेंट होंगे या पुअरली डेवलप होंगे, क्या होंगे, गोनैड अब्सेंट और पुअरली डेवलप होते हैं। और अगर आगे बात करते हैं तो हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फ्यूजन ऑफ गैमेट की बात करते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो दो क्रोमोसोम होते हैं, मैंने बताया था कि डबल क्रोमोसोम, आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक क्रोमोसोम रह जाता है, मतलब यहाँ पे एक गायब हो गया ना, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आप फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम बोल सकते हैं इस कंडीशन को। इसमें होता क्या है कि जो पर्सन होगा उसमें चेस्ट जो होंगे फ्लैट होंगे, ब्रॉड होंगे, और सबसे बड़ी बात गोनैड्स जो होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, यानी कि आप इसको हिंदी में अगर जाना चाहें तो जो जनन अंग होंगे वो पूरी तरह डेवलप नहीं होंगे, पुअरली डेवलप होंगे। तो यही कंडीशन होती है टर्नर सिंड्रोम की। क्या पूछे गौरव, अगला किल फ्लिंटर होगा पक्का, बताऊं कि ना बताऊं, मैं तो सोची थी कि उसको बता के फिर चलते हैं दूसरे वाले पे, पक्का, चलिए ठीक ही है, जब आपने बोल ही दिया तो चलिए वही बता देते हैं। वैसे तो मैंने सोचा था पटाऊ सिंड्रोम बताऊं, लेकिन चलिए ठीक है पटाऊ नहीं बताते हैं, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा फिर से। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 2a+x0 यानी 44+x, यानी कि मोनोसोमिक कंडीशन होती है। और इसमें होता क्या है, चेस्ट फ्लैट होता है, ब्रॉड होता है, गोनेट्स अब्सेंट होते हैं, और इसके अलावा पुअरली डेवलप भी हो सकते हैं, और 5,000 में से एक केस होता है, यानी कि बहुत ही कॉमन दिखने वाला भी बोल सकते हैं, इतनी जनता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं किल फ्लिंटर, अब गौरव ने बोल दिया है तो ये पढ़ा ही देते हैं, जनरल अंग मीन्स, जनरल अंग नहीं जनन अंग, मैंने बोला जनरल नहीं जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चे हैं ना, तो दोनों को लेके चलना पड़ता है मणिशंकर जी, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन। मैम आप बताइए, उनका पता है, मुझे नहीं पता है, चलिए ठीक है विवेक मिश्रा जी बिल्कुल बताएंगे। कद छोटा होगा मैम, कद, हाँ देखिए सिंड्रोमिक कंडीशन में क्या होता है कि इंसान अपनी हाइट से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। यस मैम सारे टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट बताइए, एमली डिसूजा आप स्माइल करना नहीं भूलेंगी, चलिए अच्छी बात है। देख लेते हैं किल फ्लिंटर, फिल्टर सिंड्रोम, अब देखिए जैसा कि भाई
गौरव ने बोला भी कि ये जो है कि इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि ये बहुत ही फेमस सिंड्रोम है और ये अक्सर पूछ दिया जाता है। तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, 44 प्लस एक्स एक्स एंड वाई, यानी कि 28 प्लस एक्स एक्स वाई, यहाँ पे एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। और यहाँ पे कंडीशन कौन सी होती है, ट्राइसोमी। कौन सी कंडीशन होती है, जब एक बढ़ जाता है क्रोमोसोम तो उसका जो कंडीशन होता है उसको बोलते हैं ट्राइसोमी कंडीशन। और इसमें होता क्या है, तो देखिए इसके जो लक्षण होंगे, स्पर्म मेटोजेनेसिस जो होता है वो इंसान में नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट थिंग क्या हो जाएगा, इंसान मेंटली डिस्टर्ब होगा, मेंटल रिटार्डेड रिटार्डेशन, ठीक है। दूसरी बात अगर हम कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि यानी कि स्मॉल पेनिस की बात करते हैं, ठीक है। इसमें जो मेल होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, मतलब इफेक्ट पड़ते हैं मेल पर, तो इसमें मेल में क्या होता है कि हाइपोगोनेडिज्म यानी गोनेड जो होंगे वो डेवलप नहीं होंगे, सेक्स ऑर्गन पूरी तरह डेवलप नहीं होता है, और स्टेरिलिटी आती है, नपुंसकता आती है इंसान में। तो ऐसे जो पर्सन होंगे वो नपुंसकता उनमें रहेगी क्योंकि उनके जेनाइटल जो ऑर्गन है वो डेवलप नहीं रहेंगे, बस इतना ही होता है। क्रोमोसोम शब्द का, अरे बाप रे बाप, बादल पांडे जी आपका ये क्लास मैं अलग से लूँगी, आप घबराइए मत। ये जितने भी खोज किसने किया, किसने क्या दिया, ये सारी चीज़ों का मैं अलग से क्लास लूँगी। उस दिन सिर्फ और सिर्फ खोज ही पढ़ाया जाएगा, आप एक दो घंटे जो भी पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ खोज पढ़ेंगे कि किसने कब खोजा क्यों खोजा। मैं समझ रही हूँ इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में आते हैं, पर ये सब भी इम्पोर्टेंट है, इनको जरा देख लेते हैं पहले। तो ये थोड़े से इसके बारे में है। किलफिल्टर सिंड्रोम में क्या कंडीशन होती है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, और इसमें क्या होता है, मेंटल रिटार्डेड पर्सन होता है, दिमागी तौर से कमजोर होगा इंसान, हाइपोगोनेडिज्म होगा, गोनेड जो होंगे वो डेवलप नहीं होंगे, और स्मॉल पेनिस होता है यानी कि जो जेनाइटल ऑर्गन है, जनन अंग है, वो विकसित नहीं होंगे। आलोक रंजन फ्लेमिंग ने देखिए आपके आंसर तो जो है कि आपके बीच के लोग ही दे दे रहे हैं। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद दो ही चीज़ें बताऊंगी मैं, एक एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के बारे में यानी कि रिसेसिव और ऑटोसोमल, ये सब पूछता है तो वो ना बता के डायरेक्ट अगर आप कहें तो हीमोफीलिया बता दूं, हीमोफीलिया क्या है, या फिर ये सब अनिशा चौरसिया। अच्छा हेलो मैम, बिल्कुल हेलो, बाकी जरा मैं पानी पी लूँ, बोलते बोलते भाई प्यास लगी जाती है। अब इसके लिए बादल पांडे जी ये मत बोलिएगा कि आप पानी पीना जरूरी है क्या। आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट, आई नो, आप सभी को मैं पहचान रही हूँ, इसमें बहुत लोग जुड़े हैं, हाँ जरूर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग किस पे, एक क्वेश्चन कर लीजिए फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है 21st ट्राइसोमी कंडीशन, 21st ट्राइसोमी कंडीशन अराइज इन विच सिंड्रोम। इक्कीसवें जोड़े पे ट्राइसोमी कंडीशन कौन सा सिंड्रोम करती मतलब लाती है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, डाउन सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, फिर जो है कि नेक्स्ट हो जाएगा आपका पटाउ सिंड्रोम, और लास्ट हो जाएगा आपका टर्नर सिंड्रोम। हाँ तो आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, मैंने बोला कि 21वें जोड़े पे
जो ट्राइसोमी कंडीशन होती है उसको कौन सा सिंड्रोम हम लोग कहते हैं? पहला है डाउन सिंड्रोम, दूसरा किल फिल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम। तो जल्दी जल्दी ऑप्शन अपना दीजिए। हाँ बिल्कुल विवेक मिश्रा जी फर्स्ट, एमडी डिसूजा फर्स्ट, आलोक रंजन शर्मा फर्स्ट, बिल्कुल आप सभी सही है। मैम आप कहाँ से पढ़ा रही हैं? बनारसी, वाराणसी आप सुने होंगे, तो बनारस से हूँ, वाराणसी में हूँ और वहीं से पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट हैंड राइटिंग का जबरा जबरा फैन हो गया। अब देखिए हैंड राइटिंग ड्राइंग ये मेरी बहुत अच्छी नहीं है, बट बातों को समझाने की कोशिश बस होती है। मणिशंकर मिश्रा फर्स्ट, बिल्कुल आप सभी सही हैं, आप सभी एकदम सही है, फर्स्ट ही होगा, डाउन सिंड्रोम ही होगा। तो ऐसे आप बाकी भी सॉल्व कर लेंगे और बहुत अच्छा लगता है आप लोग सही सही आंसर देते हैं। तो चलिए दो और डिजीज बचे हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, फिर इसकी कहानी ही ख़त्म हो जाए। और बाकी फिजियोलॉजिकल में तो आपके सभी आ जाएंगे जो कि रिलेटेड टू कैंसर और क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो उनके ऊपर तो आप, पर आपका घर तो बनारसी नहीं है, तो फिर कहाँ है बादल पांडे जी? मेरा घर बनारसी नहीं है तो। चलिए आप लोग को मतलब पर्सनल लाइफ में बड़ी जो है कि इंटरेस्ट है उस आ रहा, अच्छा पूरा पता लगा रखा है आप लोगों ने, चलिए अच्छी बात है। अब जो है कि सब जगह ना मैम कल भी आपका क्लास होगा ना? नहीं मे भी देखिए कल फिजिक्स या किसी चीज़ का क्लास हो सकता है, मैं नोटिफिकेशन भेजूंगी तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच ही जाएंगे, और नहीं होगा तो किसी न किसी टीचर को जो हो सकता है जनरल नॉलेज के टीचर आ जाए, कुछ ना कुछ तो होगा, वो अच्छा ही होगा आपके लिए। तो देखिए हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं कुछ डिजीज़ को। एक डिजीज़ है जिसका नाम है, अब डायरेक्टली मैं बता रही हूँ, हीमोफीलिया। क्या डिजीज का नाम है? हीमोफीलिया। देखिए इसको हिंदी में भी बोलेंगे हम लोग हीमो, सॉरी फीलिया, ठीक है हीमोफीलिया। तो अगर हीमोफीलिया की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसमें क्या हो जाता है कि ये डिसऑर्डर जो होता है ब्लड कोगुलेशन से रिलेटेड है, रक्त का थक्का जमना यानी रुधिर का थक्का जमने से, ठीक है यानी ब्लड ब्लड क्लॉटिंग से ये रिलेटेड है। कौन सा डिजीज? हीमोफीलिया, हीमो रॉयल डिजीज, बिल्कुल बिल्कुल एकदम आलोक रंजन शर्मा एकदम सही बोला आपने, किसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं भाई, इसको क्या कहेंगे रॉयल डिजीज, क्यों कहेंगे रॉयल डिजीज ये भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि रॉयल डिजीज क्यों कहेंगे। ए एंड बी हीमोफीलिया टू टाइप्स का होता है, हाँ बिल्कुल हीमोफीलिया टू टाइप्स होता है, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी, आप सही हैं जो है कि गौरव। देखिए ये सबसे बड़ी बात है ना कि एक्स लिंक्ड होता है, ये एक्स लिंक्ड डिजीज होता है, मतलब ये इसके जो कैरियर होते हैं, कैरियर मतलब इसको फैलाने वाला वो कौन सा क्रोमोसोम है? एक्स है, यानी फीमेल है इसको कैरियर है, फीमेल कौन है? कैरियर है, फैलाती है, ठीक है। और ये होगा किस में? तो ये डिजीज किसी जो है पर्सन में हो सकता है, बट इसको बोलते क्या है हम लोग? एक्स लिंक डिजीज, यानी ये एक्स क्रोमोसोम पे ही डिजीज जो होता है कि ज्यादा होता है। फर्स्ट सीन इन रॉयल फैमिली, वेरी गुड आलोक, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप बायो बहुत अच्छा है गौरव एंड आलोक, यू ऑल बहुत बहुत अच्छे आप लोग। टिन की रानी को, हाँ मणिशंकर जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सभी सही हैं, सबसे पहले ये रॉयल फैमिली में देखी गई थी इस वजह से इसका नाम दे दिया गया रॉयल डिजीज वगैरह में, सही सब आप सभी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इस रोग में ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाता है, हाँ बिल्कुल आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं ए की, हीमोफीलिया ए, जैसे कि गौरव ने बताया भी कि ए और बी दो होता है, ठीक है। तो ए की अगर हम बात करते हैं तो ए में क्या होता है कि ब्लड कोगुलेशन यानी कि देयर इज लाइफ लॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेसिव
एक्सेसिव हैमरेज, बिकॉज अगर हम बात करते हैं तो ब्लड कोगुलेशन लाइफ टाइम के लिए रोग हो जाता है। ए वाला जो है हेरिटेबल है भाई, लाइफ टाइम के लिए आपको हो गया, मतलब लाइफ टाइम तक ठीक नहीं हो सकता। और अगर हम बात करते हैं तो इसके जो एक फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर यही है कि प्रोटीन की कमी धीरे धीरे बॉडी में होने लगती है, साथ में कुछ विटामिन्स की। तो इसमें हीमोफीलिया में क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम पे डिपेंड है, ये फैमिली टू फैमिली पहुंचती रहेगी डिजीज़। और अगर नेक्स्ट बी की बात करते हैं, हीमोफीलिया बी, तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक और नाम दे सकते हैं, वो क्या बोल सकते हैं, कोगुलेशन डिजीज़ भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो टेंडेंसी होती है वो कम टाइम के लिए होता है, मतलब ये लाइफ लॉन्ग नहीं हम बोल सकते हैं इसको, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस टेंडेंसी को डेफिशिएंसी टेंडेंसी जो होती है वो फैक्टर 9 बोल सकते हैं, फैक्टर 9। तो फैक्टर क्या बोल सकते हैं, जीन को हम लोग बोल सकते हैं, फैक्टर 9 इफेक्ट करता है इसमें। ऋषभ राज मिश्रा मैम NTPC के लिए भी पढ़ा देंगी बायोलॉजी? ऑफकोर्स ऋषभ, मैंने बोला नहीं, ये जनरल साइंस है भाई, आप जो पढ़ रहे हैं ये सारे एग्जाम के लिए है। मैं जानती हूँ कि अभी जो जुड़े हैं मेरे संग लोग मैथ्स के हैं, बायो से ज़्यादा तो मैथ्स मुझे दिख रहा है, तो ये बहुत जनरल साइंस है क्योंकि इसको आप हर जगह ढूंढते हैं कि जनरल साइंस मिल जाए। तो मेरा जो लाइव क्लासेज होगा बायोलॉजी के लिए वो जनरल साइंस पर ही डिपेंड करेगा, जो सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट अगर हम बी की बात करते हैं तो बी लाइफ लॉन्ग नहीं होता है, बट हाँ दोनों के दोनों जो होते हैं वो एक्स लिंक्ड ही हैं, एक्स क्रोमोसोम की वजह से ही होते हैं। और अगर उस पर बात करते हैं तो जो 10 वाला जैसे हम लोग उस पर बात करते हैं, तो जो अफेक्ट फैक्टर करता है ए में वो होता है 8, क्रोमोसोम 8 पे। अगर हीमोफीलिया ए है मतलब क्रोमोसोम 8 की बात हो रही है, और अगर हीमोफीलिया जो है कि बी है तो 9 की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम 9 की बात कर रहे हैं, बस इतना सा अंतर होता है। हम हिंदी वाले हैं मनीष शंकर, अरे हिंदी हो या इंग्लिश क्या फर्क पड़ता है, आप आगे चल के ना हिंदी रहता है ना इंग्लिश, चाहे आप मेडिकल करिए, इंजीनियरिंग करिए, किसी जॉब में रहिए या कहीं भी रहिए कॉलेज में, उसके बाद हिंदी इंग्लिश नहीं रहता है, आपकी अपनी नॉलेज रहती है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, हिंदी इंग्लिश के पीछे मत भागिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कलर ब्लाइंडनेस, एक ये हो गया और एक कलर ब्लाइंडनेस, दो ही डिजीज़ है और एक दो डिजीज़ देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना है डिजीज़, जो बाय वाले हैं वो तो बहुत डीपली जा जाकर पढ़े हैं भाई। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, हाँ इसको ऐसे लिख देते हैं कलर ब्लाइंडनेस, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही स्पेलिंग लिखी जाती है, कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा और कहीं कहीं दोनों ही देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं वर्णांधता, वर्णांधता। ये देखिए क्यों डिजीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग रेलवे का पेपर देते हैं या फिर ट्रैफिक पुलिस का दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हरे और लाल रंग का विभेदन ही नहीं कर पाता है इंसान, मतलब उनको हरा लाल कलर जो होता है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है इंसान, इस वजह से ये आपका इंपॉर्टेंट डिजीज हो जाता है। और ये होता किसकी वजह से है? तो इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या होता है कि एक्स लिंक डिजीज है, क्या है एक्स लिंक, यानी कि कैरियर कौन है, फीमेल है, जो फैलाने वाली है डिजीज वो कौन है, फीमेल है। लेकिन ये होता किस में है, मेल में होता है, ये डिजीज से जो ग्रसित होते हैं वो मेल होते हैं, लेकिन ये फैलाता कौन है तो फीमेल फैलाती है, यानी कैरियर अगर पूछे तो आप हमेशा फीमेल को टिक करेंगे। और ये होता किस में है? तो मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। वर्णांधता का लक्षण क्या है कि हरा और लाल रंग विभेदन नहीं हो पाता, हरे और लाल रंग का डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाता है इंसान। तो इतना ही है वर्णांधता में, और आगे देख लेते हैं एक दो डिजीज, और कोई डिजीज आपको पूछना है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। फिलहाल के लिए तो यहीं पे रोकते हैं क्लास को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और बहुत लोग मुंह बना रहे होंगे कि आज भी मैम का 2 घंटे का क्लास चला गया। तो अगर अगर आपको पढ़ना है विवेक मिश्रा फर्स फिर से, अच्छा एक्स जबकि होता में है, अच्छा तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका जो है कि डिजीज़, और एक फिजियोलॉजिकल डिजीज़ जो बच जाता है तो वो काफ़ी लंबा खींचेगा, और मैं नहीं चाहती कि आपका मूड ऑफ हो जाए कि बहुत देर तक क्लासेस कर लिए थक गए। तो चलिए फिर इतने ही पे क्लास को एंड करते हैं, और जो है कि आप हमारे साथ बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत
धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और साथ में हमारे जो है कि 8 बजे डेली लाइव क्लासेस चलते हैं, तो आप हमेशा जुड़िए। और लाइव के पहले भी टेलीग्राम पे हम लोग का क्विज चल रहा है, जिस समय बहुत फेमस है, हर कोई क्विज के मजे ले रहा है, तो फिर आप लोग भी क्विज में ऐड होइए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, ट्रस्ट मी, तो आप अगर चाहे तो क्विज में ऐड हो सकते हैं। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और बाकी प्लेलिस्ट में भी कुछ वीडियोस हैं, अगर मन करे तो जाके देख लीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है। हम तो भी आए हैं, अच्छा ऋषभ राज मिश्रा कोई नहीं, अभी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने बैक में जाके वीडियो को देख सकते हैं, पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। और तब तक के लिए फिर गुड नाइट, बाय, फिर मिलेंगे।